nation now. I'm Pradeep Nambiar. This we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. Yesterday was the India Alliance, a huge meeting jo Shivaji Park mein hua. The India Alliance claim karte ki bahut successful tha. We'll ask our guest Lakshman Saudi Saab from the Bharatiya Janata Party. Lakshman Saudi Saab, welcome to the show. Namaskar. Namaskar, Lakshman Saudi Saab, namaskar. Bajaj Saab, bahut shortly join karenge humko. Saudi Saab. Kya baat hai? Saudi Saab, kal जबरदस्त एक फंक्शन हो गया शिवाजी पार्क में. राहुल आप सुनते ही हंसने लगते हैं. राहुल गांधी जी का नाम बोलने से पहले आप हंसने लगते हैं. राहुल गांधी जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी, पूरे इंडी अलायंस जो आप कहते हैं, इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस बोलते हैं आप, पूरे शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे, स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, आप बोलो जितने सब लोग, बहुत लोग वहां पर थे. और एक ही बात है कि मोदी जी को उनका है कि हराना. उद्धव जी ने कहा कि एकदम थड़ी पार करना है, निकालना. तो ये कैसे, क्या जो इंडी अलायंस, इंडिया अलायंस, इसको एक सक्सेसफुल एक शो ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं. साहू जी साहब, आप इसको कैसे देखते हो? एक तो हमारे आराध्य जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मैं पहले वंदना देता हूं. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. और बात ऐसी साहब, अभी सबने पूरी सभा देखी, लोगों ने, चुनाव लोकसभा का आया है और हमको भारत के विकास के बारे में कुछ चर्चा करनी है, इसके लिए वो सभा नहीं थी. सभा सिर्फ मोदी हटाओ. अभी इनके कहने से मोदी हटेंगे क्या? जनता जनधन का जब आशीर्वाद और समर्थन जब मोदी जी के साथ है तो इनका कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. लेकिन मुझे इतने तजुर्बेदार नेता वहां मंच पर होने के बाद देश की कोई चिंता किसी के भाषण में नहीं आई. फारूक अब्दुल्ला से लेकर शरद पवार जी से लेकर इतने पुराने लोग भी होने के बाद और जिनको सिर्फ राजनीति के साथ सिर्फ जो खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उम्मीद नहीं थी. जैसे कि उद्धव ठाकरे है, जैसे संजय राउत है, इनके पास से कोई उम्मीद नहीं है, इनके पास से कोई अपेक्षा नहीं रही अभी, क्योंकि जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया है. लेकिन जो देश के राजनीति में पिछले 50-60 साल से जो है वो भी कुछ देश के बारे में सोच नहीं रहे है. क्या समस्याएं है, क्या चैलेंजेस क्या है देश के सामने, युवाओं के सामने क्या है, महिलाओं के सामने क्या है, खेती के सामने क्या है, और क्या 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 अच्छा हुआ है देश में. अमृत वर्ष में जब हम स्वतंत्रता के जा रहे हैं तो हमने पिछले 5 साल में जो उपलब्धियां देश के सामने लाई है उसके बारे में चर्चा करने के लिए इनको कोई भी समय नहीं मिला. G20 का अध्यक्षता का भारत को मिली, इसका कोई जिक्र उनके संभाषण में किसी के आया नहीं. या इतने बड़े पैमाने पर देश में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, इतने टनल बन के, इतने रास्ते बन गए, इतना प्रवास इतना आसान हो गया है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई. यानी सकारात्मक कोई दृष्टिकोण नहीं, कोई विजन नहीं. और देश के सामने हम चुनाव के सामने जा रहे हैं, इसके लिए कौन सी दिशा से जाना चाहिए, इसके लिए भी कोई चर्चा नहीं. सिर्फ एक व्यक्तिगत द्वेष और द्वेष भावना बढ़ाने के लिए जो कुछ होना चाहिए, ये रास्ते पे जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां इनको कैसे नजर से देखेंगी? मतदाताओं ने इनके कहने का कितना सोचा होगा? कोई कोई विचारधारा के आधार पर कोई नहीं. सिर्फ एक देखो, सबसे ज्यादा चर्चा कौन सी हो गई? मैंने क्यों बोला पहले बार कि बाला साहब ठाकरे शिवाजी पार्क में मैदान पर जब सभा लेते थे तो पहले उच्चारण तमाम माजा हिंदू माता भगिनी नो, हिंदू बांधवान नो, ऐसे जोर से कहते थे. उद्धव ठाकरे जी ने हिंदू लव पुकारेंगे तो आपको महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से निकाल डालेंगे, ऐसी कोई धमकी दी, ऐसा लग रहा था उनके भाषण से.
इतने डरे हुए थे, हमारी खुद की पहचान भूल जाना, खुद की पहचान को दूर करना, ये सबसे बुरी बात महाराष्ट्र की जनता को पहली बार मालूम हो गई। ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो भी, अभी तेजस्वी यादव का भाषण ले लो, किसी का भी कोई भी नेता का भाषण ले लो, क्या क्या इनको हक है लोगों के सामने जाकर करप्शन के खिलाफ बोलने का, या कोई भी चुनाव के बारे में बोलने का, या कोई कुछ भी? इनकी छवि क्या है राजनीति के मंच पर, सामाजिक मंच पर? सोचना चाहिए। और इसका एक बिल्कुल हमारे राजनीतिक भाषा में बोलने का, पूरी सभा फ्लॉप हो गई थी। कोई विचारधारा का मंच नहीं था, कोई राष्ट्रीयत्व का मंच नहीं था, और जो राहुल गांधी का नाम लेकर जो मंच सजाया था उन्होंने, कि जो भारत जोड़ो की यात्रा, न्याय यात्रा, अन्याय यात्रा के नाम पर दौड़े थे, गाड़ी में अकेले चार लोगों को घूमने का, आगे पीछे दस दस गाड़ियां लेके घूमने का, रोज कितने लोग प्रवास करते हैं, कितनी गाड़ियां चलती है, कितने चलते, इसके पीछे कोई कोई कुछ कारण नहीं था उनका, ऐसा कुछ भी काम नहीं, उनके यात्रा से ऐसा क्या काम हुआ था देश का? मुझे साहब इतना बुरा लगता है कि राहुल गांधी को वायनाड से लड़ना पड़ता है, इसके साथ ही ये न्याय यात्रा, अन्याय यात्रा, भारत जोड़ो सब खत्म हो जाता है। क्या वायनाड का चित्र है? क्या वायनाड की मतदाता संख्या कितनी है, लोकसंख्या कितनी है, वहां क्या चल रहा है? आईसीसी का सेंटर वायनाड में चालू हो रहा है, अपने खुद के लोकसभा क्षेत्र में वो भारत विरोधी गतिविधियां जो हो रही है उसको अनदेखा करके हमको ये दूसरे तरफ रास्ते में लेके जा रहे हैं, और सब ये दल वाले उसकी सराहना कर रहे हैं। तो साहूजी साहब, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भर्ती, जो कांग्रेस के गारंटी, उनका कहना है कि राहुल गारंटी यानी कांग्रेस का गारंटी, बोले भर्ती भर्ती भरोसा, भर्ती भरोसा, बोले 30 लाख पद जो बीजेपी ने अभी तक भर्ती नहीं किया, जो है नहीं किया, उसको राहुल गांधी भर्ती करेंगे। उन्होंने कहा पहली नौकरी पक्की, पहली नौकरी पक्की, यानी जो बच्चे ग्रेजुएट होके बाहर निकल रहे हैं उनके लिए राहुल गांधी कहता है कि 1 करोड़ बच्चों को मैं रोजगार दूंगा 1 साल का, जो अप्रेंटाइज एक्ट अमेंड करके 1 लाख रुपया पर एनम। फिर आगे जाके पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक से मुक्ति, सैनिटरी वर्कर्स को सुरक्षा, जो बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी, एक बहुत बड़ी स्कीम है कि महालक्ष्मी स्कीम, महालक्ष्मी योजना, हर महिला जो गरीब है उनको 1 लाख रुपया एवरी ईयर पर एनम, करीबन 8,500-9,000 के आसपास घर बैठे बैठे 9,000 मिलेंगे महिलाओं को। क्या ये स्कीम सावजी साहब गेम चेंजर होगा? क्या ये गेम चेंजर होगा? आपको स्कीम्स कैसे लग रहा है कि ये सब बोलने के लिए? पिछले 14 से लेके 19 तक और 19 से लेके 24 तक 10 साल में भाजपा के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जितनी योजनाएं लाई है, जितने फायदे हुए हैं लोगों को, जो लोग आज चर्चा करते हैं कि हमको कुछ लेन देन नहीं पड़े, सिर्फ देश मोदी आने चाहिए, ये जो जनता में जो मैसेज गया है, ये योजनाएं सफल हुई है, क्योंकि योजनाएं कागज पर लेकर या योजनाओं की घोषणा करके कुछ योजनाएं हुई नहीं है। 50 साल में घोषणाएं कम की क्या कांग्रेस ने? गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, गरीबी हटाने के लिए क्या प्रयोजन क्या किया था? आज हमने गरीबी हटाओ के लिए जो प्रयोजन किया, आम आदमी को हमने विकास प्रक्रिया में लाने के लिए जो जनधन योजना में 50-55 करोड़ लोग सम्मिलित किए, ये भारत की इतिहास में पहली बार हुआ है। राहुल गांधी या कांग्रेस वाला या उनके साथ में रहने वाले दल, ऐसे कोई एक स्कीम हमने लगाई थी और वो सक्सेस हो गई और ये जनता के लिए किया, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। करप्शन के अलावा और समाज का बंटवारा होने के अलावा इनका क्या काम है, इनका इतिहास क्या है? मैं तो राहुल गांधी को चैलेंज आज भी देने के लिए तैयार है हम, कि वायनाड की जो सोशल जो गतिविधियां चालू है, जो राजनीतिक गतिविधियां, उसका पहली चर्चा करो इसके बारे में। जिस क्षेत्र का तुम 5 साल सांसद बने हो, वो क्षेत्र में आज क्या चल रहा है, कितनी बुरी हालत है केरल में, केरल का जो आर्थिक जो समीकरण सामने आया है, उधर के मुख्यमंत्री ने जो बताया है, जो चित्रीकरण आया है, और उसके लिए मोदी जी ने हमने उसके बारे में क्या कहा है कि हम हेल्प करेंगे, हमने ऐसा नहीं बोला वहां गवर्नमेंट दूसरी है करके। लेकिन केरल की समस्या है कि भाजपा के वजह से नहीं आई है,
केरल राज्य का कारोबार और वायनाड संसद क्षेत्र का कारोबार राहुल गांधी जिम्मेदार है। देश विरोधी जो गतिविधियां वायनाड में हो रही है उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, ऐसा मैं आज जोर से कहता हूं। अगर मंच पर रहने वाले कोई भी दल के नेता ने वायनाड में जाकर प्रवास करना चाहिए, वहां की हालत का तजुर्बा लोगों को देना चाहिए, यह पहले आज बोलना चाहिए। इनको हक क्या बनता है? देश विरोधी गतिविधियां इतनी हो रही है, साहब कितने लोगों की हत्या हुई है? डेमोक्रेटिक मूवमेंट में 115 हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या केरल में हुई है। कई लोगों के हाथ काटे हुए, कई लोगों के पैर काटे हुए हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार कितने हुए हैं, जो कि हमारी कुटुंब प्रणाली है उसके उसमें जो बदलाव हुआ क्या बुरी तरह से हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर। जो बाहर से लोग जो वहां नागरिक आते हैं तो एक जो एक दिन की शादी किसी के साथ करने का और उधर तलाक तलाक बोलने का, और बाद में जो जर्नी मैरिज प्रवास विवाह जितने दिन प्रवास वो देश में करेगा उसने दिन उसके साथ जो औरत रहेगी उसने दिन उसका विवाह रहेगा, जिस दिन उसका प्रवास खत्म हो जाएगा उसकी शादी टूट जाएगी। ये वायनाड का चित्रीकरण है राहुल गांधी, शर्म करो। क्या सभा लेते हैं मुंबई में आकर शिवाजी पार्क में, उनके साथ में बैठने वाले दल वालों को, उनके दल के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। हमारी भारत की छवि क्या हुई है? और फिर एक साथ मिलकर बोलते हैं मोदी जी नहीं चाहिए, देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले दल जब ऐसे गुमराह करने की जब चाले चलेंगे तो जनता इनके समर्थन में नहीं आएगी। जनता आज मोदी जी के समर्थन में है और मोदी जी के समर्थन पे बड़े पैमाने पे है, क्योंकि हमारा जो चेहरा है, हमारा जो इरादा है, हमारा जो काम है वो पब्लिक के सामने है और खुलकर सामने है। कई कितनी योजनाएं हो, शिक्षण के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, या कोई उद्योग के बारे में हो, निर्यात के बारे में हो, किसान के बारे में हो, ये इसके मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। और सिर्फ मोदी नहीं चाहिए, इनका अस्तित्व खत्म होने वाला है 2024 के चुनाव के बाद में, और वो अस्तित्व की लड़ाई आखिरी सांस ले रहे हो खुद, ऐसी इनकी छवि है। कल की सभा से ये चित्रण ज्यादातर सामने आया है। साहु जी साहब, नरेंद्र मोदी जी, मोदी साहब का कहना कि अब की बार 400 पार, क्लियर कट है, विजन है, बोले कि मेरे 10 साल के जो आपको दिए देश को समर्पित जो काम है एक वो देख लीजिए, और 25 साल आगे जो रोड मैप बना हुए वो देखकर मुझे वोट देना। 400 पार जो मोदी जी बोल रहे हैं उसी मैं हक से मांगता हूं, आपको काम के आधार से मांगता हूं। मोदी जी कहते हैं, आगे जाके कहता है कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, मगर ये पूरे इंडिया परिवार को, इंडिया अलायंस के परिवार को फैमिली फर्स्ट है, फैमिली फर्स्ट नॉट नेशन फर्स्ट। राहुल गांधी, मगर कल राहुल गांधी जी कल जिस प्रकार से कहा, बोले कि राजा का दिल, राजा का आत्मा जो है वो ईवीएम में है, राजा का आत्मा ईवीएम में। साहु जी साहब ऐसे कमेंट को कैसे देखते हो, क्या ईवीएम से जीतता है मोदी जी? साहब बात ऐसी है, चुनाव आयोग की जब पत्रकार परिषद हुई और उनके शीर्षस्थ राजीव कुमार ने जो कहा कि ईवीएम के बारे में उन्होंने बहुत माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन किया, तुम्हारे पास तुम कितने चैलेंज करो इसके बारे में आप असफल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो रिजल्ट आए हैं, ये बाहर की जब चर्चा करते हैं बैलेट पेपर के लिए, जो देश छोटे हैं जिनकी मतदाताओं की संख्या कम है वहां का नियोजन, और हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक मूवमेंट में इतने 100 करोड़ वोटर के सामने जाने का जो प्रयोजन है, इसकी गहराई, इसकी विजन, ये सब सोचना चाहिए। ईवीएम होने के बावजूद जो दूसरे दल जीतते हैं तो वहां ईवीएम ठीक है, बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाती है तो ईवीएम ठीक है, तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक है, कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक है, जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो भी ईवीएम ठीक है, पंचायत समिति के चुनाव हो गए, जेएलपी के चुनाव हो गए, 3-5 राज्यों के चुनाव हो गए, वहां ईवीएम ठीक है। ईवीएम का मुद्दा लाना ये सरासर अपने व्यवस्था को बदनाम करना, भारत की चुनाव आयोग को बदनाम करना, और इनकी जनता में कुछ इमेज नहीं रही है तो उसको ढकने के लिए क्या क्या चर्चे होनी चाहिए उसके लिए चर्चा करना, ये बिल्कुल फिजूल चर्चा है, इसमें कोई दम नहीं है।
साइंटिफिक कुछ भी नहीं है, और जो चुनाव आयोग के कमिश्नर ने जो जब प्रसारण में जब उन्होंने बोला वो चैलेंज करके दिखाए कोई भी नेता है कोई भी दल या कोई भी पार्टी, तो वो असफल रहेंगे। और हमारी व्यवस्था सर्वोच्च है, आदर्श है और विश्वासार्हता के साथ जुड़ी हुई है। राजनीति के साथ व्यवस्था को लेना नहीं चाहिए इन्होंने। आरोप लगा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, कल राहुल गांधी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी चर्चा किया था। उन्होंने कहा चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली के आरोप उसने उन्होंने लगा दिया, टेका लो और रिश्वत दो शेल कंपनी के माध्यम से, यानी ये मोदी भ्रष्टाचार मोनोपोली, यानी मोदी जी और भ्रष्टाचार को उन्होंने मोनोपोलाइज कर दिया, राहुल गांधी जी का कहना है। तो आप इस चीज को क्या, ये करप्शन का चार्ज उन्होंने बीजेपी पे लगा दिया है और मोदी साहब पे भी लगा दिया है। नहीं बात, आई वुड रिक्वेस्ट द इंजीनियरिंग चार फ्रेम लगा देना राहुल गांधी के इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। हाँ, हमारे शीर्षस्थ नेता अमित भाई शाह ने भी बोला है, हमारे देवेंद्र जी ने भी बोला है, सब केंद्र के सब प्रवक्ता ने भी बोला है कि जो सामने चित्रीकरण आया है तो भारतीय जनता पार्टी को 6,000 का फायदा होने के बाद 14,000 करोड़ का फायदा विरोधी दल को हुआ है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। ये राजकीय आरोप करके नहीं चलेगा, सिर्फ इसके बारे में जो साइंटिफिक जो उसके आंकड़े हैं और हर एक को जो लाभ मिला है, तो इसमें जो चित्र है ये भाजपा को बदनाम नहीं करता है। इनको बोलने के लिए कोई तो भी मुद्दा चाहिए, ये इनका रोना है। ये कोई किसी आधार पर बात नहीं करते हैं, ये आंकड़े बारे में बोलते नहीं। 14,000 करोड़ का फायदा विरोधी दल को हुआ है, इसका पहले खुलासा दो सबने, हर एक को फायदा हुआ है। और भाजपा सबसे सर्वाधिक बड़ा दल होने के बाद पूरे संसद की संख्या, विधायक की संख्या, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की संख्या, बाद में जो सदस्य संख्या है दुनिया में सबसे ज्यादा जो सदस्यता है इतनी बड़ी मात्रा में, वो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भाजपा है, उसके बावजूद उनको 6,000 मिलते हैं और आपको 14,000 मिलते हैं, ये चर्चा नहीं करते हैं आप, ऐसा कैसा चलेगा? ये लोग देखते हैं, दुनिया को दिखता है ना सब आईना, इसलिए इसके बारे में चर्चा हुई है। ये इनके नापाक इरादे कोई यशस्वी होने वाले नहीं है आरोप करके। आगे जाके जिस प्रकार से आप देखोगे कि उद्धव ठाकरे जी पर आरोप लगाया देवेंद्र फडणवीस जी ने कि आपने हमारे पीठ पे चूरा बोका था, एंड आफ्टर दैट, उसके बाद मैं जब बोला था कि मैं पुनः ये उसका एक मजाक बना दिया था, मगर 2.5 साल के बाद मैं जब पुनः वापस आ गया दो पार्टी को तोड़कर उनको गिराकर, तो जिस प्रकार से फडणवीस साहब कहा तो उद्धव ठाकरे जी उस पर आरोप लगाने लगे, संजय राउत जी आरोप लगाने लगे कि घर फोड़ने वाला का भाषण है, घर तोड़ने वाले हैं ये सब उनके हाथ में, तो ये कैसे देखते हो आप इस चीज को? सब बात आई थी इसमें, आदरणीय देवेंद्र जी ने जो कहा था तो उनके पीछे जो मात्रा में ये लोग पड़े थे शरद पवार जी के साथ सब, कि इनको हटाया जाना चाहिए, भाजपा हटाया जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने निजी तौर पर मैं आऊंगा ऐसा नहीं बोला था। हमारा दल आएगा और हम किसके लिए आएंगे, काम के लिए आएंगे और आने के बाद क्या काम करना है इसके साथ उन्होंने बोला था, सिर्फ मैं अकेला आऊंगा। तो ये प्रातिनिधिक स्तर पर आप कितना भी कहो, जनता का समर्थन हमको मिलने वाला है और हम फिर से आने वाले हैं, ये कहा था और उनकी बात सच निकली। जनता ने हमको समर्थन दिया था, मेजोरिटी दी थी, छुरा तो उद्धव ठाकरे ने हमारे पीठ में बोका है, क्या बात करते हैं? मतदाता के साथ गद्दारी किया है उद्धव ठाकरे ने, सब दुनिया को मालूम है। और जो बड़ी मेजोरिटी के साथ देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में मोदी जी के, अमित शाह जी के, भाजपा के नेताओं ने महाराष्ट्र में सत्ता फिर से लाई थी, फिर भी ये मतदाताओं का अपमान करके, जिन्होंने मतदाताओं ने जिनको ठुकरा दिया था, शरद पवार जी को बोला था तुम्हारी लायकी नहीं है कांग्रेस में सत्ता में आने की, कांग्रेस वाले को सोनिया गांधी, राहुल गांधी को
बोला था तुम्हारी लायकी नहीं है महाराष्ट्र में सत्ता पे आने की, और उनके आंकड़े बहुत छोटे छोटे थे, पूरी मेजोरिटी पूरी मिली थी भाजपा शिवसेना अलायंस को, और हमारे पीठ में छुरा भोग कर बाद में उल्टी चर्चा करते हैं कि हमने धोखा दिया। धोखा तो इन्होंने दिया है, पूरे लोगों को मालूम है, दुनिया महाराष्ट्र की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। मैं इसका नतीजा मैं बोलता हूँ साहब, लोकसभा में जब इनके 18 सांसद आए थे ना पिछले बार, तो उद्धव ठाकरे अभी का जो उनका जो परिचय देंगे लोकसभा में, एक भी सांसद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नाम पर चुन के नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ आज बोलता हूँ। आज का डिबेट रख लो, आज की तारीख दिनांक भी लिख के रख लो, ये इनकी पब्लिक में इनकी कोई इज्जत नहीं रही है, मतदाताओं के साथ गद्दारी इनकी पहचान है। जो शिवसेना के लोग शिवसेना से अलग हो गए, जो शिवसेना शिंदे जो उन्होंने जो जो आगे सामने आया चित्रीकरण, उसमें देखो संजय राउत जो लोग राज्यसभा में गए उनको वोट देकर उनको वो किसके आधार पर चुन के आए, तो संजय राउत को जिसका वोट मिला उसके साथ संजय राउत की गद्दारी है, जहां विधानसभा में इनको वोट मिला उसकी उद्धव ठाकरे की गद्दारी है। एक गद्दार उद्धव ठाकरे और गद्दार उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इसका पूरा आईना दुनिया के सामने आया है। और ये बोलते देवेंद्र फडणवीस को अकेले, देवेंद्र फडणवीस का जो काम का जो स्पीड है, जो नजरिया है, जो विजन है महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र का एक अच्छे ऊंचाई पर देवेंद्र जी फडणवीस ने पिछले 5 साल में और अभी फिर सरकार मिलने के बाद भी लाके रखा है। हमने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये इसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। साहब आपने शुरुआत में एक चीज बोला था, सरकार जो सरकार शरद पवार सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे लाचार होकर कांग्रेस के पास गए थे, सोनिया गांधी के पास गए, लाचारी लाचारी, इतना लाचार आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। साहब जी साहब आपने शुरुआत में आपने बोले कि उद्धव ठाकरे जी जो एकनाथ शिंदे जी ने कहा, आशीष शेलार ने कहा, बाकी फडणवीस जो उद्धव ठाकरे जी उन लोगों के साथ बैठे हैं जो हिंदुत्व को हिंदुत्व का अपमान किया था, वो यू नो एकनाथ शिंदे जी का कहना था, बोले कि शिवाजी पार्क में जो आपने शुरू किए थे, बोले शिवाजी पार्क में जो बाला साहब ठाकरे जी का भाषण हुआ करता था, माजा हिंदू बांधवानो और भगिनीनो, यहां से शुरू होता था वो हिंदू, जो आपने इनिशियली बोला शुरुआत में बोला वो हिंदुत्व के बाद पूरा एडिट हो गया, वो नहीं बोले उद्धव ठाकरे जी। और आशीष शेलार जी का कहना है कि ये कांग्रेस के कहने पे किया, आशीष शेलार जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने भाषण में बोला कि उद्धव जी आपको हिंदुत्व के बारे में नहीं बोलना है, तो ये आरोप कैसे देखते हो आप? नहीं, ये सही बात है, सही बात है। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने जो कहा था कि मैं सोनिया गांधी के साथ हरगिज कभी हम शिवसेना जाएंगे नहीं, अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हम हमारा दुकान बंद कर देंगे, और वही सोनिया गांधी के तलवे चाट कर उद्धव ठाकरे यहां मुख्यमंत्री बने हैं, पूरी तिलांजलि दी है हिंदुत्व को उन्होंने। और बात कर सावरकर जी का अपमान जितना राहुल गांधी ने किया, उसकी कोई 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 दुखी नहीं है उद्धव ठाकरे संजय राउत उनकी शिवसेना, और ये हिंदुत्व का नाम लेते हैं क्या? पूरे साल में 2 साल में जब राजीव गांधी की जन्मतिथि आई, राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी आई, तो उसके तस्वीर के सामने माला पहना के अगरबत्ती जलाकर उद्धव ठाकरे दिखाई दिए, लेकिन बाला साहब ठाकरे के तस्वीर के सामने राहुल गांधी या सोनिया गांधी 2 साल में कभी दिखाई दिए क्या? नहीं दिए। बाद में कल शिवाजी महाराज की जो स्टैचू था बहुत बड़ा कर, वह उसको हार पहना कर आगे जाना चाहिए, ये कोई भी राजनीतिक नेता कोई भी राजनीतिक गिलौता तो कर दे, लेकिन राहुल गांधी उधर अनदेखा करके अपनी अपनी यात्रा में गए, इतना ही क्या? लेकिन मंच पर एक साधारण कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी, एक हितचिंतक विठल की मूर्ति जब सामने लाते हैं, विठल भगवान की जब मूर्ति लाई सामने, तो उसको अनदेखा करना यह हमारे महाराष्ट्र का अपमान नहीं है? हिंदुत्व तो शिवाजी महाराज के स्टैचू को माला पहनाकर आगे न पहनाकर आगे जाना, विठल महाराज की विठल भगवान की मूर्ति को वहां नकार देना, ये हिंदुत्व का अपमान नहीं लगता है उद्धव ठाकरे को? ये दिखाई नहीं देता है? मैं फिर बात दोहराता हूं साहब, चुनाव के बाद में राहुल गांधी या सोनिया गांधी जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, देशद्रोही ताकतों के साथ जो हाथ मेरा कर चल रहे हैं, उनके साथ में जो दल है उनको भविष्य बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा, बहुत बुरी तरह। थैंक यू साहब जी साहब, थैंक यू।
थैंक यू, वी कम टू द एंड ऑफ योर शो विद यू। सावजी साहब थैंक यू सो मच। आपका जो आक्रोश दिख रहा है, आपका जो आक्रोश हम देख रहे हैं शुरुआत से जो एंड तक, जो आपके पास जो एनर्जी से आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सावजी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू प्रदीप जी, धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। सावजी साहब थैंक यू सो मच। और साहब इसके बावजूद आज महाराष्ट्र में जो स्थिति है, जो मतदाता हमारे साथ है, 45 प्लस होकर महाराष्ट्र में रहेगा, ये पूरी फ्लॉप सभा हुई है, इनको जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, ये मैं फिर एक बार कहता हूँ। थैंक यू। अभी कांग्रेस का प्रवक्ता से पूछते हैं वही, सावजी साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सावजी साहब, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वी हर्ड सावजी साहब, लक्ष्मण सावजी फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। वी आर जॉइंड नाउ बाय गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तिवारी जी वेलकम टू द शो सर। गोपाल जी नमस्कार, वेलकम सर। यू नो तिवारी साहब, यू हर्ड, आप सुने साहु जी, लक्ष्मण साहु जी साहब को सुने जो बीजेपी के प्रवक्ता थे। नाउ ही सेज कल का जो आपका शो था, लक्ष्मण साहु जी बीजेपी का कहना था कि शिवाजी पार्क में उतना उत्साहित नहीं हुए, इट वाज फ्लॉप शो। हाउ डू यू रिएक्ट, बिकॉज वी ऑल्सो क्राउड्स वाज अमेजिंग, पूरा भरा हुआ था शिवाजी पार्क, भरा हुआ था, सब इंडिया अलायंस के सब घटक दल के लोग वहां पर थे। आप कल के जो शिवाजी पार्क वाले चीज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे गोपाल तिवारी जी? हाउ आर यू गोइंग टू डिस्क्राइब इट? सर मैंने अभी उनकी कुछ बातें सुनी, हाँ हाँ, थोड़ा उसके बारे में एक दो लाइन में क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए सर बोलिए। जो ये बात कहते हैं कि गद्दार गद्दार शिवसेना का, मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्होंने जैसे ही सत्ता में आए तो उन्होंने जो शिवसेना का साथ, जो बाला साहब ठाकरे के रूम में जाके आदित्य ठाकरे तक अमित शाह जी बार बार जा रहे थे, और जब इनका कहना था कि विधानसभा और लोकसभा 2019 की हम यूपी अलायंस करेंगे तो दोनों एक साथ करेंगे, तब बीजेपी कह रही थी नहीं पहले लोकसभा का करें। वो डटे हुए थे कि भाई ऐसा नहीं चाहिए, विधानसभा और असेंबली और पार्लियामेंट। तो फिर बाद में राजी हो गए, कई बार वो गए उनकी मन धरने की, उनको बार बार रिक्वेस्ट की, तब जाके दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अलायंस किया। अभी 2019 के चुनाव के बाद क्या हुआ, चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बीजेपी क्लियर क्लियर उनको टालना चाहती थी या उनकी जो कमिटमेंट है वो देना नहीं चाहती थी, जैसे भी सीएम 2.5 साल के लिए वगैरह बोला था। अभी ये गद्दारी किसने किसके साथ थी, इसी बात है, बीजेपी ने शिवसेना का साथ थी जहां तक पूरा सामने जो नजरिया आता था वो। और बाद में कई दिनों के बाद जब कोश्यारी राज्यपाल थे तो गवर्नर हाउस में ये सब लोग गए और बाहर आके मीडिया में बोला कि हम गवर्नमेंट नहीं बना सकते। अभी ये उनकी अंदरूनी बात है, तो ये ऐसा कहना कि भाई इनको तलवे चाट रहे, ऐसा कोई बात नहीं। देखो हम तो पॉलिटिक्स के लिए आए, तो जो वास्तव जो प्राप्त परिस्थिति है उसमें हमारा फर्ज बनता था कि शिवसेना और राष्ट्रवादी का जो प्रपोजल आया, 15 दिन के बाद हमने उनको सपोर्ट किया और एडमिट किया कि चलो हम महाविकास आघाड़ी बनाते, एक मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के ऊपर हमने उसमें दी। और बाद में क्या हुआ, ये जो बोल रहे थे 5 साल एक ही सीएम था बीजेपी का, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब की बार 200 पार बोल रहे थे फडणवीस जी, क्या हुआ 126 थे, और क्या हुआ 126 के जगह 86 आ गए सर ओनली। और राष्ट्रवादी जैसे विखे पाटिल, मोहिते पाटिल और एनसीपी और कांग्रेस के जो छीना चिपटी करके ये जो लोग लिए हैं, इन्होंने 23 लोग, मेरे पास लिस्ट है बाकायदा, जो 2019 तक बीजेपी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ थे। तो जब ये 200 पार 5 साल एक ही सीएम बीजेपी ने पूरी अच्छी सरकार दी, उसके बावजूद भी 126 के ऊपर से 83 पे आए, तब 22 लोग कांग्रेस राष्ट्रवादी के लेके 103 की मेजोरिटी आई, तब इन्होंने गवर्नमेंट बनाया। वो फिर बनाया तो फिर क्या हुआ, वो 103 आके भी कुछ नहीं कर पाए, तो हमने महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट दिया, तो ये रिजल्ट है। और बाद में ये छीना छिपटी, इनका आदरणीय हमारी अमृता भाभी बोलती थी कि रात को 12 बजे के बाद वो भेष बदल के जाते थे
पॉलिटिकल रॉबरी करके ये तो सत्ता में आए सर, ये क्या बोलते हैं इनके। और रही अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की बात जो राहुल जी के ऊपर है, अरे भैया आपने करोड़ों रुपए लगा दिए बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की और अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक हुआ कहाँ है, वो पैसे गए कहाँ है, आप लूट रहे देश को, राज्य को लूट रहे, आखिरी तक आपकी पैरों तले जमीन खिसक गई है, तभी तक आप जो आपके आइडियोलॉजी के साथ नहीं थे, आप जिनको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करके जो बोल रहे थे, 8-8 दिन के अंदर उन्होंने लिया। तो मोदी जी अशोक चौहान के बारे में क्या हुआ, मेरे पास अभी वीडियो है, मैं बताता हूँ, लेकिन सबको जानते हैं कि क्या बोल रहे थे, भाई शहीदों की जमीन खिसक लेने इतने बड़े आरोप किए, अरे तो भाई अगर ऐसा है तो आप उनको अरेस्ट कर देते, ईडी से इंक्वायरी कर देते, तो 10 साल में आपने जो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप उसके ऊपर डटे रहते थे, लेकिन वो तो हुआ नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा पद है, मैं खाऊंगा और आपको भी खिलाऊंगा, आप मेरे साथ आ जाओ, यही एक है प्रोग्राम। फादर ऑफ नेशन जो महात्मा गांधी को खोल रहे थे, तो फादर ऑफ डोनेशन हो गए सर, पूरी चुनाव कमिश्नर ने, और थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन, सॉरी थैंक्स टू जुडिशरी, द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी रियल, तो उन्होंने एक बात पकड़ के रखी, तब ये सब बातें सामने आई, नहीं तो ये कहां आती थी सर। कई बार झटका लगा चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, राहुल जी ऑनर कर रहे डिसऑनर कर रहे, आपने तो इतना बड़ा डिसऑनर किया है, पूरे महाराष्ट्र को गुमराह किया है, और आप क्या बोल रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, कोश्यारी जी और कर्नाटक का जो सीएम बोल रहे हैं, तब क्या कार्रवाई किया आपने, कितना बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश में हिंदुस्तान में, उनके ऊपर तो आपने, अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतना रिस्पेक्ट रखते हो, तो हमारा येडियुरप्पा जो कर्नाटक का सीएम है और जो महाराष्ट्र में जो उनके खिलाफ जो एलिगेशन किए गए, जो गंदी लैंग्वेज वहां यूज की, उनके खिलाफ आपने क्या किया, गवर्नर के बारे में क्या किया, कोश्यारी के बारे में कुछ नहीं किया आपने, जिन्होंने ये अपने महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले, हमारे जो अस्मिता है आइडियल है महाराष्ट्र के, उनके बारे में कई कुछ किया आपने, कुछ नहीं किया उनका, और ये क्या सब दिखावा है, ये इनका जो मतलब पूरी करप्शन से भरी हुई पार्टी है। गोपाल तिवारी जी, एक चीज जो राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि राजा का आत्मा ईवीएम में है, राजा ना, दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, राजा का आत्मा ईवीएम में है, और फिर बीजेपी का रिस्पॉन्स आया कि जब कांग्रेस when कांग्रेस wins तो ईवीएम ठीक है, ममता बनर्जी जीतती है तो ईवीएम ठीक है, यू नो वाईएसआर हार गया, तो हाउ डू यू सी दैट, हाउ डू यू सी वन राहुल गांधी जी का बोल्ड स्टेटमेंट अबाउट ईवीएम एंड बीजेपी रिस्पॉन्स, कैसे देखते हो आप सर? सर देखो, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, इसके बावजूद हमें राजस्थान की सत्ता मिली, कर्नाटक की सत्ता मिली, इसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं कि वॉलेट पेपर पे जो है बैलेट पेपर पे वोटिंग कीजिए और इलेक्शन लीजिए। हमने कहा था जो एक्स इलेक्शन कमिश्नर है कुरेशी साहब, जी कृष्णमूर्ति, उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, उन्होंने कहा था जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है हमने उनसे सलाह मशवरा करनी चाहिए, अगर मैं इलेक्शन कमीशन होता तो मैं ये करता था कि भाई आप जो इतना एडवांस कंट्री है तो आप ईवीएम के वोटिंग से आप बैलेट पेपर पे क्यों आए, उनसे पूछिए क्या कारण है। अच्छा, इसके बावजूद हमने पूरे इंडिया अलायंस ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर दिया कि हमें समय दीजिए, अभी तक समय नहीं दे रहे, तो ये क्या मतलब। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन में 3 लोगों की कमिटी होगी, एक जस्टिस खुद हो गए, एक ये पीएम हो गए, एक अपोजिशन लीडर होगा, क्या हर्ज है, अगर आपके मन में कोई पाप नहीं है खोट नहीं है तो ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया लास्ट मिनट में। जब इलेक्शन कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशनली डिसेबल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली अपाइज होता है, तब आप जाके लास्ट मिनट में 2 इलेक्शन चुनाव कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। और रही बात ईवीएम की, तो बार बार हमारे खरगे जी ने
इंडिया अलायंस ने ये बात उठाई, आज ये मीडिया नहीं बताता सर, इलेक्शन ईवीएम के लिए कई सुप्रीम कोर्ट के लिए वकीलों ने बहुत बड़ा धरना दिया है जंतर मंतर पे, बहुत बड़ा रैली निकाला था, हम नहीं कह रहे। अच्छा, हम ये जस्ट बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें लोगों की जो भावना है, वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल दैट पब्लिक फीलिंग, वी हैव टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, तो क्या बात है। तो हमने बोला तो हमने, हम तो ऑल वी मस्ट ओपन फॉर ऑल ऑप्शंस। देखो, हमें तो लोगों का जो वोटिंग चाहिए, जो चाहिए, तो आप ट्रांसपेरेंसी से रखो, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है आपको बैलेट पेपर लिप पे लेने पे। हम बोलते ना, हमें कहीं स्टेट में पावर मिली, फिर भी हम कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई डाउट है, अरे राम जी का चरित्र का आप बार बार दाखला देते हैं, श्री राम भगवान की, अरे राम जी ने तो कोई एक छोटी सी एक गांव के एक किसी ने सीता जी के बारे में कुछ सवाल उठाया था, तो खुद भगवान राम ने अग्नि परीक्षा को देने के लिए उसको बोला था। तो आप क्या रामचरित्र, राम श्री राम प्रभु राम का क्या आदर करते, कितना इंप्लीमेंट करते आप, क्या मतलब है इसका। ऐसे यू नो गोपाल जी, मोदी जी का कहना है कि मैंने 10 साल में जो काम किया उसके बेसिस पे आप मुझे वोट देना, 400 प्लस, अब की बार 400 पार। आगे जाकर कह रहा है कि नॉट ओनली 10 इयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, बट 25 इयर्स ऑफ प्लान रोड मैप अहेड, 25 साल में का रोड मैप बना के आपको दे रहा हूं, एक विकसित भारत, एक जो जबरदस्त इंडिया नंबर वन जो होगा उसका एक पूरा रोड मैप तैयार करके मैं आपके पास आ रहा हूं। नेक्स्ट 5 years इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, उसका मैं प्लान किया हूं, रोड मैप बना दिया हूं। तो और पर राहुल गांधी जी का कहना है कि यू नो यू हैव डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी, नोटबंदी लेके आए, जीएसटी लेके आए, छोटे उद्योग को आपने खत्म कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बढ़ गया है, यू नो महंगाई इस कदर बढ़ गया। तो हाउ डू यू सी, दोनों को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, एक कि रोड मैप लेके बैठा हूं, 10 इयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया लाइक नेवर बिफोर, और राहुल गांधी जी का जो आरोप है कि बेरोजगारी, महंगाई, यू नो फार्मर्स डबल इनकम, यू हैव नॉट फुलफिल्ड एनी ऑफ द विशेस, विच ऑर द इलेक्टोरेट किसको विश्वास करे। गोपाल जी बिल्कुल सही है, अगर इन्होंने अगर इतना काम किया है मोदी जी ने, रोड मैप लेते थे तो ही कुड हैव टेकन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनको आप मोनी बाबा कहते थे, उन्होंने 100 ऊपर अबव प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। आप 10 साल में एक मीडिया को सामने नहीं जा रहे, अगर सही है तो मीडिया के मुंह पे मारिए, तमाचा मारिए, पेपर डालिए, प्रूफ डाल दिए, कहीं पे भी आप कुछ नहीं बता रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं कर रहे। और हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम 5 साल के लिए पूछता है, आपको 25 साल की बात करने की जरूरत नहीं है। ये ऑल दिस थिंग फुलिश टोटल, ये नॉनसेंस है सर, ये बिल्कुल चाइल्डिश बातें हैं, ये बुमराह करना, ये सब बातें करना, इसमें कोई, अरे पहले आप जो पॉलिटिकली जो 5 साल पहले जो बताया था कि कांग्रेस के ऊपर जो भ्रष्टाचार के जो एलिगेशन किए थे, उसका क्या हुआ? लोकपाल तो अभी अभी आप अपॉइंट कर रहे हैं, जो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद लास्ट आवर में, तो क्या किया आपने? उसके बाद आपने 2 करोड़ रोजगार देंगे बोले थे, अच्छे दिन लाएंगे बोले थे, बहुत हुई महंगाई की बात, ये सब वीडियो है उनको, 2022 तक, अभी 24 चल रहा है, देश में कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। आप जो शौचालय जो बोल रहे हो, आप विदेश जाके लोगों को, विदेश में हमारे देश की नाक कटवाते हो, बोलते हो कौन सा मैं कितना अभागा हूं जो मैं इंडिया में मेरा जन्म हुआ, ऐसे बोलते हो आप। देश की कहां शान शौकत रखी आपने, और जहां विदेश में जाके आप बोलते हो कि मैंने घर घर लाइट दिया, एमएसबी का कनेक्शन दिया, शौचालय किया, तो बाहर के लोग बोलेंगे कि भाई ये देश में हम क्या हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, जहां टॉयलेट नहीं है और जहां एमएसबी नहीं है, ये सब झूठापन अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए ये क्यों कर रहे हो। आप जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट देते हो, एक में लिखते हो 7 करोड़ टॉयलेट बनाया, उसी समय मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको एयर पे चैलेंज देके बोलता हूँ,
उसी समय तीसरे में 7,50,000 7.5 करोड़ टॉयलेट हुए बताते हो, एक में 7 करोड़ टॉयलेट हुआ है बताते हो, दूसरे पेपर में 7,25,00,000 बताते हो, व्हाट नॉनसेंस। 50,000 टॉयलेट, 50,00,000 टॉयलेट इनटू कम से कम 10,000, कितना पैसा होता है? मतलब ये कोई मतलब नहीं है। हम कमिटेड है लोगों को जो एजेंडा दिया उसके बारे में, और जो डेवलपमेंट का रोड मैप बताते हो, तो ये जो ट्रिलियन और कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी हुई सर, जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस स्ट्रक्चर जब अच्छा रहता है तभी होता है। वो ऑटोमेटिकली जो भारत का जो स्ट्रक्चर है पंडित नेहरू जी को एंड आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया बताया गया था। हम रोते नहीं बैठे कि 150 साल अंग्रेज हमारे सर पे थे, हम कुछ नहीं कर पाए। हम रोते नहीं बैठे, हम बिल्कुल रोते नहीं बैठे थे सर। हमारे सुई नहीं बनती थी तब, हमारे भाकरा नांगल से लेके सैटेलाइट तक हमने तरक्की की सर। ये क्या बात है, जब हम आजादी मिली, जब इंडिया स्वतंत्र भारत आजाद हुआ, तो 36 करोड़ पॉपुलेशन था और 14% लिटरेसी थी, 14 1 4। आज 130 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ की है, और 76% 2014 में लिटरेसी रेट बढ़ गया सर। ये कैसे हुआ? आप तो पढ़ाना नहीं चाहते लोगों को। जो एजुकेशन रेट है कितना कम हुआ है सर, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है, जीडीपी कितनी कम हुई है। अरे देश को आपने बर्बाद कर दिया। जो 15 प्राइम मिनिस्टर थे 15 साल में, जिन्होंने 55,00,000 करोड़ कर्जा किया था, आपने चौगुना कर दिया। अरे क्या दिवालियापन कर रहे, क्या कर रहे हैं आप, व्हाट नॉनसेंस। सबके सब बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और कोई मोदी, ये क्या है। आप मेहुल चौकसी को ऑफिसरों के सामने बोलते हो भाई मेहुल चौकसी, आप उसका मेंशन करते हो भाई मेहुल चौकसी, वो चुना लगा के गया बाहर आपको, ये क्या। देश को जो डेमोक्रेटिक वे से आप आते हो, 5 साल का हम ज्यादा नहीं, 5 साल का हमने एजेंडा मांग रही है लोग, और उतना ही दीजिए, उतना ही करिए बिल। आप 50 साल रहो, 25 साल रहो, हमें ज्यादा 25 साल के बाद ये होगा। अरे आपने पूछा, आपको पूछा किसने 25 साल के बाद क्या होगा, आप अभी का बताओ ना। और ज्यादा ज्यादा एडवांस क्यों बताते हो? ड्रग्स जो है, क्राइम रेट बढ़ा है, ड्रग्स गुजरात में ड्रग्स कितने आ रहे सर, महाराष्ट्र में कितना ड्रग माफिया क्या हो गया, ये वसूली सरकार है। ये आपने बोला था जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, परमवीर सिंह मुंबई के कमिश्नर थे, आपने बोला था 100 करोड़ और वसूली करते, क्या हुआ, परमवीर सिंह को सबको तो क्लीन चिट दे दी। बिल्कुल, जब आप सत्ता में आए तो कोई उसका सवाल जवाब नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, बेवकूफ बना रहे हो क्या। इतनी महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता इतनी बुद्धू और कम पढ़ी नहीं, अनपढ़ नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। गोपाल जी, अमित शाह जी होशियार समझते हो, जो मॉरली आप गिर चुके हो, नैतिकता से आप गिर चुके हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जाना तय है, और तभी छटपटाहट फोड़ रही है। इनको ये जानते हैं, हम सत्ता से अगर दूर हो गए तो इन सबको जेल जाना है, और 10 और दैट इज फाइनल। गोपाल जी, अमित शाह जी ने हमेशा ये हाईलाइट करते हैं कि देखो मोदी जी जितने प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री की सेना और सीमा पर अटैक हो गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम घर में घुसकर मारेंगे। अमित शाह जी का कहना है घर में घुस के मारेंगे, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने क्लियर कर दिया, जीरो टॉलरेंस टू एनी काइंड ऑफ दिस टेरर एक्टिविटीज, अमित शाह जी का कहना है। और कहना है कि देखो सुनिए, CAA इज अ लॉ एंड इट इज हैज टू बी इंप्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल स्टेट्स, No state on its own can stop the process of CAA. तो कैसे गोपाल जी, आप इसको कैसे देखते हो? Why this statement? देखो, इन्होंने कहा था 2016 में नोटबंदी क्यों करनी है, कि भारत में जो है अतिरेकी जो आतंकवादी हल्ले जो बड़े हैं, तो जब नोटबंदी करने के बाद जो बालाकोट और वहां पे जो ये हुआ आतंकी हमला हुआ, उनके पास 2,000 के नोट लेके, जब तक लोगों को नहीं मिल रहे थे रोज के 2,000 के नोट रेड कलर के, सब मीडिया में आया। आप पुलवामा का कुछ कर नहीं पाए, वो देवेंद्र सिंह जो रंगे हाथ पकड़ा गया था, उसके साथ दो टेररिस्ट थे, उसको क्या हुआ,
वो तो पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ सीआरएफ था, सेंट्रल रिजर्व पुलिस का डीवाईएसपी था, क्या हुआ उसका? किसी को आपने 40 हमारे सबके सब हिंदू जवान थे तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब आपके नवाब ये अपने वहां के गवर्नर है सत्यपाल मलिक जो पूछ रहे हैं, आप उनको बोलते हो चुप बैठो, व्हाट नॉनसेंस, क्या चल रहा है? आप ऐसे देखो, बिल्ली जो है ना, बिल्ली आप मिर्च के दूध पीती है, उसको लगता है मैं बहुत शयानी हूँ, कोई देखता नहीं, ऐसा नहीं है सर। वास्तव में ये जो अमित शाह है, अभी इनका कैरेक्टर है क्या है सब मालूम है, पीछे किसको किसको तड़ी पार हुआ है, क्या हुआ है, अभी बाद में कैसे है वो, उनको क्लीन चिट मिल गया, क्या मिल गया, ये सब बातें है, ये दिखाने की बातें है, ये कुछ भी बुना, इनका जो पोजिशन है ना, तो ये जो बोलते वो छप के आता है, बस वही है। मतलब ये कुछ भी बोले वो कुछ भी छप के आता है मीडिया में, क्योंकि एज अ टुडे कौन से पोस्ट पे वो, उसके कारण उनको पब्लिसिटी मिल रही है और रोज करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। सर ये क्या है, देश को दिवालिया बना रहे ये लोग, और कुछ नहीं है, लोग बहुत होशियार हो गए, और क्या बात करते हैं आप? गोपाल जी, we as a political observers would like that you give a fantastic image. Sarkar, you're saying very confident. Rahul Gandhi ji is very confident. Mallikarjun Kharge sahab is very confident that you are forming the government this time, and Mr. Modi is not going to form the government. But yet the travel from 52 to 272, Gopal ji, it's a very tough and challenging. Bade jodo yatra successful tha. Log jis prakar se jude, it was fantastic. And we have always seen, जो भी यात्रा निकलता है सफलता तो 100% उनको मिलता है, सीट्स में इंक्रीज होता है, लोगों का विश्वास बढ़ता है, कांग्रेस has got a base in all states, and you know you have totally invoked अपने पूरे कार्यकर्ता चार्ज अप हो गए इस चीज से, बट 53 से 272 का प्रवास आप जरा समझाइए, we would love to hear it from you, गोपाल जी। I couldn't अभी आपका कहां से कहां तक 52 सीट से आपको 272 पहुंचना है, गोपाल जी रोड मैप कैसे होगा? राहुल गांधी सर, एज ऑन टुडे आल्सो वी आर द सेकंड ऑप्शन ऑफ पब्लिक, यस यस, ऑफ ऑल इंडिया, जो भी 130 करोड़ जो जनता है भारत की, हम अपोजिशन नहीं है सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर द सेकंड ऑप्शन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, मतलब 2014 में अगर सेकंड ऑप्शन ऑफ इंडिया तो वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट पार्टी, क्योंकि हम खुद नहीं आए ना, तो ये जो बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त, व्हाट नॉनसेंस, क्या बोल रहे हैं आप? आप पब्लिक का इंसल्ट कर रहे हैं, जिन्होंने, जो जनता ने आपको चुन के दिया, आपको बड़े भूल भुलैये देख के, आपके प्रति आस्था रख के, आपने कहा था काला धन इतना है कि 70 साल में बाहर का धन आएगा तो हर एक के खाते में 15-15, 20-20 लाख आएगा, लोग बिचारी गरीब जनता है, वो बाद में अमित शाह बोलते वो तो जुमला था, व्हाट नॉनसेंस, आप क्या मूर्ख बना रहे हो देश को? तो इसके लिए लोगों ने आपको प्रायोरिटी दी, हमको सेकंड प्रायोरिटी दी, हमारा 50 एटलीस्ट 50 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3-4-5 राज्यों में हमारी सत्ता थी, तो ये अगर रूलिंग पार्टी अपने सामने अपोजिशन को अपना एनिमी मानती है तो डेट इज टोटली ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंसल्ट है। अगर वो कहते हैं कि भाई जनता ने हमको दिया तो जनता ने उनको भी ऑप्शन दिया है, दैट इज द सेकंड ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पीपल सेकंड ऑप्शन, तो उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो पंडित नेहरू जी थे तब की बात क्या थी सर, अभी मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन बहुत से उनके ऐसे उदाहरण है कि वो कैसे अपोजिशन का रिस्पेक्ट करते थे। सर इनकी आजादी के इसमें कुछ नहीं रोल था, जब हमारे केयर टेकिंग जो मिनिस्ट्री बने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और बीजेपी के ले लिया ना हमने, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तो इनको साथ में लेके चल रहे थे हम, तो बाइंडिंग है हम। जब सरदार पटेल ने कहा था कि आरएसएस एंटी कंट्री एक्टिविटीज कर रही है उनको बैन करो, तो अकेले पंडित नेहरू थे कि उन्होंने बोला नहीं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें उनको दबाना नहीं चाहिए, और ये क्या है, और ये उल्टा है, जब सरदार पटेल का तो स्टैचू बना रहे और पंडित नेहरू को गालियां दे रहे, जिनके वजह से आरएसएस का एग्जिस्टिंग सरवाइव हो रही है आरएसएस, ये क्या है मतलब?
और ये सब बातें हैं गोपाल जी, लास्ट क्वेश्चन, यू नो मोदी साहब ने कहा कि देखो मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, फॉर मी नेशन इज फर्स्ट, मगर कांग्रेस के लिए और घटक दल के लिए फैमिली फर्स्ट है, फैमिली नो यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट दैट परिवारवाद बहुत इंपोज है आप में, नेशन फर्स्ट एंड यू नो फैमिली फर्स्ट, बोले आई डोंट लुक फॉर हेडलाइंस आई वर्क टुवर्ड्स डेडलाइंस, सिंगल वर्ड्स जिस प्रकार से उन्होंने वन लाइनर्स आजकल बोलने लगे, आई वर्क फॉर डेडलाइंस एंड नॉट हेडलाइंस, नाउ हाउ डू यू सी दिस प्राइम मिनिस्टर इनिशियली टॉकिंग अबाउट नेशन फर्स्ट एंड फैमिली फर्स्ट, क्या फैमिली फर्स्ट इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी और द कांग्रेस वर्क्स टुवर्ड्स दैट, प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको सुपर इम्पोज करना चाहता है गोमाती सर, व्हाइल मोदी एंड शाह दे बोथ आर टेलिंग व्हाटएवर दे वांट, बट फैक्ट इज लेट इट बी डिसाइड बाय पब्लिक, हु आर यू टू गोइंग टू डिसाइड दिस, हु आर यू, यू आर ओनली 5 इयर्स टेम्पररी सर्वेंट ऑफ पब्लिक, नथिंग एल्स, तो ये जो बात है तो आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है। अच्छा परिवारवाद बोलते हैं तो परिवारवाद अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है सर, और परिवारवाद हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन से जो आगे परिवार होता है ना वो परिवारवाद कहता है, जब आदमी अपने जिंदगी का अहम रिश्ता नहीं निभा सकता तो और तो सब बातें बहुत दूर रही सर, हमें जो हमने हम हिंदू धर्म में अग्नि साक्ष फेरे लेके किसी को हम अपने जिंदगी के अर्धांगिनी कहते हैं, अगर उसके प्रति हम सीरियस नहीं रहते अकाउंटेबल नहीं रहते तो और बात है, और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट परिवारवाद मीन्स अकाउंटेबिलिटी, ये समझना चाहिए, और जब परिवारवाद है तभी पंडित नेहरू, देखो सोनिया जी थी जिन्होंने अपने पति का धर्म निभा के पति के परिवार में आके पति की अकाउंटेबिलिटी को अपना के जो उत्तरदायित्व निभा रही है, तो लोगों ने उनको बताया ना, जब इंदिरा जी पंडित नेहरू थे तो पंडित नेहरू के रहते हुए इंदिरा जी को पीएम नहीं बनाया, जब पंडित नेहरू जी शांत हो गए एक्सपायर्ड हो गए तब शास्त्री जी बाद में इंदिरा जी आई, जब इंदिरा जी थी तो इंदिरा जी ने अपने हाथों से जैसे अमित शाह ने खुद के रहते हुए जय शाह को बीसीसी का चेयरमैन बताया, खुद के रहते हुए रिस्पेक्ट मतलब जो क्वालिटी डिजर्विंग है क्या नहीं कुछ भी नहीं है उसका, तो बीसीसी का चेयरमैन आप खुद को बेटे को बनाते हो, ऐसा नहीं बना है ना कांग्रेस ने, नेहरू के पीछे इंदिरा जी बनी, इंदिरा जी की जब हत्या हुई तब सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि राजीव जी आप संभालो, जब राजीव जी की हत्या हुई तो 8 से 10 साल के बाद लोगों ने बोला कि सर आपकी जो फैमिली है तो ग्रेट डिवोशन है उसको शहादत है, आपके फैमिली ने जो एक क्रेडिबिलिटी है देश में कमाई है तो आप सोनिया जी आप आइए, तो 10 साल के बाद राजीव जी ने खुद के रहते हुए अपने वाइफ को नहीं बनाया कि खुद का रुतबा रखते प्रेशर करके मेरे वाइफ को बनाओ, ऐसे नहीं किया ना, इतनी तो अकल है कि नहीं इनमें, क्या मतलब जिसके पीछे जो बना है तो ये समझते नहीं है, ये अंधे का मतलब ये देखते हुए भी अंधे होते हैं तो क्या करें हम, तो अच्छा सेकंड थिंग राहुल जी सोनिया जी के बाद भी राहुल जी ने नहीं ये लिया, उसके बाद अगर खड़गे जी बनाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस, तो इलेक्शन हुई शशि थरूर भी खड़े रहे तो क्या हुआ, ये मतलब आपका कौन सा कौन बीजेपी का है जो किसने पूछ के आपने गोवा में तो कितना ये किया कि भाई मोदी को पीएम का कैंडिडेट बनाओ करके, ये क्या हिसाब से किया था, राजनाथ सिंह थे तब कितना प्रेशर था, आपने जो एक दहशत दमनशाही के ऊपर आप बने ये क्या है, ये लोग देखते हैं ना आपकी कौन सी डेमोक्रेसी है बीजेपी में, आप बीजेपी का कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दे रहे, बाहर वालों को देते हैं, कल कांग्रेस के जो एक्स थे उनको राज्यसभा देते हैं और ये देते हो बिचारी ये मुंडे जी की ये लड़की है और उनको कई लोग ऐसे हैं कि उनको राज्यसभा नहीं मिलती, आप खुद के पार्टी को कार्यकर्ताओं को जस्टिस नहीं दे पा रहे, लोगों की तो बात बहुत दूर रही सर, बहुत दूर रही, क्या बात, थैंक यू गोपाल जी, यस्टरडेज़ रैली वाज फैंटास्टिक,
इंडिया अलायंस इज ऑल रेडी टू टेक ऑन 2024 और यस सर थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो थैंक यू सो मच गोपाल जी थैंक यू सर नमस्कार Rally was fantastic. They all say Shivaji Park, जो India Alliance के rally थे, it was wonderful. The three or four things that have fantastically come in favour of the Congress and the India Alliance. Sharad Pawar ji, Uddhav Thackeray ji, and you know, just Prakash, Congress doing its best. Rahul Gandhi in Shivaji Park. We are connected now by Gurjot Singh Kirji from the National Congress, Sharad Pawar NCP. Gurjot ji, welcome to the show, sir. Welcome to the show. You have been on the highlight, you know, continuously taking on the Modi government, just Prakar se, electoral bonds ho, Shivaji. Yesterday Shivaji Park rally was fantastic. Jabardast rally tha. You saw the energy, you saw the spirit, aur jo crowds aaye the, and every, you saw the cooperation of all the Ghatak Dal. Sab log manch par the, aur sab bhashan kiye. Jabardast ek hi nara ki we have to dislodge the Modi government in 2024. Can you give us a glimpse of yesterday's शिवाजी पार्क रैली गुरजोत जी? देखो, हिंदुस्तान का तो इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदुस्तान के ऊपर अन्याय हुआ है तो वो अन्याय के खिलाफ जो न्याय की आवाज है वो हमेशा शुरू होती है छत्रपति शिवाजी महाराज से. तो हमारी भी ये जो कल थी, जो हमारा प्रोग्राम था, ये जो हमारी गूंज थी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से शिवाजी पार्क में ये जो हुई है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद अब जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के साथ है. और हम इंडिया वाले हैं और चक दे इंडिया, ये पूरे हर एक जहां जहां पर हिंदुस्तानी है वर्ल्ड में तो वो अच्छा करता है तो बोलते हैं चक दे इंडिया. तो कल तो फटे चक ही दिए इंडिया लाइंस ने. और आने वाले चुनाव में ये कल की हमने घोषणा कर दी है कि आने वाले चुनाव में इंडिया जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी, ये बोगस जनता पार्टी हारेगी. यू नो गुरजोत जी, जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी आलोचना कर रहे थे, आशीष शेलार बीजेपी की आलोचना कर रहे थे कि देखो उद्धव ठाकरे जी मंच पर थे, हिंदुत्व को छोड़ दिया. बाला साहब ठाकरे जी जब थे तो यू वुड स्टार्ट विद हिंदुत्व, माजा हिंदू बंधुओनो भगिनीनो, बट उद्धव जी लेफ्ट दैट हिंदुत्व वर्ड. गुरजोत जी, आर यू सीइंग हाउ एकनाथ शिंदे जी का एलिगेशन है? यू नो, यू गॉट आशीष शेलार्स एलिगेशन दैट स्लोली भाला साहब ठाकरे जी का विचार जो धीरे धीरे दूर हो रहा है उद्धव ठाकरे जी, इज इट गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस द वे द एलिगेशंस आर कमिंग? गुरजोत जी, ऐसा है कि इंसान के खून का रंग लाल होता है और इंसान वो हर बार अपना हाथ या अपना गला काट कर नहीं दिखाता कि मेरा हाथ, मेरा अंदर जो खून है, मेरे हाथ से आप देखो या मेरे गले से देखो, मेरे शरीर से वो लाल खून निकलेगा. तो वैसे ही उद्धव साहब की बात करूं तो उद्धव साहब में हिंदुत्व भर भर के भरा है. हिंदुत्व की डेफिनेशन में बात करूं तो हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू के दिल का राजा आज भी उद्धव साहब है. और वो राजा को ये बताने की बार बार जरूरत, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो गद्दार है एकनाथ शिंदे जी, अपने आप को हिंदू नहीं बोल सकते क्योंकि हिंदू के खून में गद्दारी नहीं होती है. और इन्होंने जो गद्दारी की है ये तो हिंदू कहलाने लायक नहीं है. यू नो गुरजोत जी, तरह तरह के एलिगेशंस, खड़गे साहब ने एलिगेशन लगा दे बीजेपी के कि मोदी साहब 400 अब की बार 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि ही वांट्स टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. देन ही टॉक्स अबाउट अर्लियर एमपी ऑफ द बीजेपी फ्रॉम कर्नाटका, जिस प्रकार से बोले कि हम 400 इसलिए आप लेके आओ ताकि हम संविधान में बदल लेके आ सके. तो इज द बीजेपी रियली, आपको कैसे लगते हैं, यू हैव बीन अ फंटास्टिक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, is the BJP in mood to get 400 plus and then change the constitution? Is there a threat to the constitution that they will be altered? How do you see Gurjot ji? हम बात करें तो जिस समय पे हिंदुस्तान बना वो टाइम पे पहले देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे. नेहरू जी ने जो पहला आरबीआई, ऑफिशियली मैं बात करूं तो इंडिया का जब पहला आरबीआई का नोट निकला था तो वहां पर हमारे तीन शेर थे, हमारा एम्बलेम था. उसके बाद में जाकर महात्मा गांधी, जब उनको फादर ऑफ द नेशन का टैग मिला उनके शहीद होने के बाद में, महात्मा गांधी जी की फोटो वहां पर नोट के ऊपर आई, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी फोटो नहीं लगाई. नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो मोदी जी ने अपने जीते जी जो कोविड के सर्टिफिकेट बांट रहे थे उसमें खुद की फोटो लगाना स्टार्ट कर दी कि ये मोदी ने किया है. नेहरू जी भी वो कर सकते थे पर उनकी सोच देश के लिए थी और मोदी की सोच सिर्फ खुद के लिए है. वो चाहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, इंडिया नाम छोड़कर
भारत सरकार, हिंदुस्तान सरकार, इंडिया सरकार छोड़कर मोदी सरकार इन्होंने जो नाम चलाया है वो खुद कहते हैं कि ये मोदी की सरकार है, अकेले हम बीबी छोड़कर बैठे हैं और हमें कोई परिवार नहीं बनाना है, हमें सिर्फ 400 सीटें लेनी है। और ये जो कहते हैं कि हमें 400 सीटें लेनी है, देखो मैं तो सिख हूँ, सरदारों का दिल बहुत बड़ा होता है, वो 400 की बात कर रहे हैं, हम उन्हें 20 और ऊपर देंगे, हम उन्हें 400 नहीं 420 देंगे, पर 420 सीटें नहीं, हमारी सरकार आएगी 420 का केस डालकर नरेंद्र मोदी जी को जेल भेजेंगे। तो गुरजोत जी, ना हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग, शरद पवार जी के जो यू नो यू सॉ द होल फैमिली इज रैलीड अराउंड शरद पवार जी, दे आर सेइंग वी आर विद सुप्रिया सुले, पूरे जिस प्रकार श्रीनिवास पवार ने आज खुलकर एक स्टेटमेंट दिया अजित पवार जी के खिलाफ, बोले कि अजित जो भाषा इस्तेमाल किया वेरी क्रूड एंड वेरी हार्श लैंग्वेज, कि नालायक व्यक्ति है अजित पवार जी, कि फैमिली के बुजुर्ग पर इतने उन्होंने संकट लेके आए, हम सबको विश्वास है और पूरे सब लोग जानते हैं शरद पवार साहब को और किसी को नहीं जानते, एवरीबॉडी इज रैलीड विद शरद पवार साहब, एक ही शरद पवार साहब है जिसने पूरे महाराष्ट्र में एक वातावरण सा बना दिया है। तो एक तरफ अजित पवार है और पूरे एक तरफ पूरा फैमिली एंड द होल फैमिली इज विद सुप्रिया सुले, हाउ डू सी द एटमॉस्फेयर इन बारामती? गुरजोत जी, महाराष्ट्र की बात करूं तो हमारे महाराष्ट्र की पहचान, हमारे महाराष्ट्र के कण कण में रग रग में शरद पवार साहब बसते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया है, उनके मॉडल को पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे इंडिया ने कॉपी किया है। और शरद पवार साहब के साथ उनकी पीठ पे छुरा छोकना, मैं कहूंगा कि शरद पवार साहब हमारे आज के विठल है, और भगवान के ऊपर अगर कोई उंगली और एक इंसान उठाएगा तो वो टाइम पे बुरा तो लगेगा। और आखिरकार मैं बोलूं, खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता होता है, और आज वो खून उबला है, वो खून ने कहा है कि मेरा सगा भाई गलत है, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने हिम्मत रखी आकर सच बोलने की दुनिया के सामने, और शरद पवार साहब के साथ सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और मोदी जी कहते हैं उनका परिवार, हमारा परिवार क्या है, कल हमने छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में दादर में दिखा दिया, तो वो हमारा परिवार है, जहां पर एक हिंदू भी है, एक मुस्लिम भी है, एक सिख भी है, एक क्रिश्चियन भी है, एक पारसी भी है, एक हमारे यहाँ पर ज़ोरास्ट्रियन भी है, एक ईरानी भी है, और हम यहाँ पर सबको साथ में लेकर सबके साथ चलने वाला परिवार बनाते हैं। यू नो गुरजोत जी, हमने शरद पवार साहब का वो रूप देखा जो रौद्र रूप बोलते हैं, एंग्री मैन जो रूप, जब शेलके को उन्होंने, शेलके एक एमएलए उनको, तो आप इससे पहले बहुत साल हो गए कि किसी ने इस रूप को शरद पवार साहब को देखा नहीं, जब उन्होंने कहा कि मैं कोई गलत रास्ते पे जाना नहीं चाहता, मगर अगर कोई मुझे मजबूर कर दिया कि उस जगह रास्ते में मुझे जाना पड़े, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मेरा नाम शरद पवार है, मेरा नाम शरद। दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम शरद पवार जी, बहुत सालों से ऐसे, ही वाज अ वेरी कूल एंड कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन, एकदम सरल, जो करना है चेहरे पर कभी एक झलक नहीं पड़, भलक नहीं पड़ता था कि व्हाट ही इज गोइंग टू डू। व्हाट प्रॉम्प्टेड शरद पवार साहब कि उसके रौद्र रूप जिस प्रकार से निकल कर आए कि यू नो माय नेम इज शरद पवार, डोंट मेक मी गो इन दैट वे। गुरजोत जी, वी सॉ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। पवार साहब ने अपनी पार्टी को, जैसे बच्चे को एक माँ प्यार करती है, वैसे शरद पवार साहब ने हमारी पार्टी को प्यार किया है। और शरद पवार साहब का वो हक है कि अगर कोई बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा, तो जैसे माँ वेलना और चप्पल उठाती है, तो शरद पवार साहब को अच्छी तरह से पता है कि बच्चों को कब प्यार से लोरी सुनानी है, कब वेलना और चप्पल उठाना है। और तलवार बनाने वाले को ये नहीं सिखाते कि तलवार कैसे चलाई जाती है। तो शरद पवार साहब पिछले 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति का एक अटूट अंग है, और उनके जैसे एक विचारधारा के आदमी को अगर ये चैलेंज करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से आप राम को नहीं सिखा सकते कि रामायण क्या है, तो आप शरद पवार साहब को नहीं सिखा सकते कि पॉलिटिक्स क्या है। यो गुरजोत जी, एक चीज है कि अमित शाह जी ने कहा, जब उनको प्रश्न पूछा कि महाराष्ट्र में आपने दो दो पार्टियों को तोड़े, दो दो फैमिली को तोड़े, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा, न बीजेपी तोड़ा है, न मोदी साहब ने तोड़ा है, इनको पुत्र माया और पुत्री माया ने तोड़ा है। बोले कि उद्धव ठाकरे जी वांटेड टू मेक आदित्य ठाकरे जी द सीएम एंड द सीनियर द पार्टी, एवरीबॉडी रिवोल्टेड।
शरद पवार साहब वांटेड टू मेक सुप्रिया सुले जी दी प्रेसिडेंट, हैंड ओवर द एंटायर रिंग्स टू सुप्रिया सुले जी एंड सीनियर लीडर्स जैसे अजित पवार एंड छगन भुजबल तक के एवरीबॉडी रिवोल्टेड. तो बोले कि ये पुत्र मोह और पुत्री मोह था. अगेन ही वॉज यू नो इंडिकेटिंग और शोइंग पॉइंटिंग फिगर्स टूवर्ड्स परिवारवाद. हाउ डू यू सी गुरजोत जी, क्या अमित शाह का कहना कि पुत्र मोह पुत्री मोह ने दोनों को डुबा दिया, शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को, हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? अमित शाह की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से उनके खुद के बच्चे इतने केपेबल नहीं है. एक को उन्होंने क्रिकेट में डालकर देखा. जब से क्रिकेट के वो पनौती आए हैं तब से इंडिया हर फाइनल तक पहुंचती है, फाइनल में जाके हार जाती है. तो खुद के बच्चे जब कुछ नहीं कर सकते और दूसरों के बच्चों में जब काबिलियत हो, तो एक जो बाप हो, मैं कहना चाहूंगा जो जलने वाला बाप हो, उसका दिल जलता है. और अमित शाह जी का दिल जलता है मेरे ख्याल से कि काश उनको भी सुप्रिया ताई के जैसे बेटी मिलती. अमित शाह जी का दिल जलता है कि काश उन्हें भी आदित्य ठाकरे जैसा बेटा मिलता तो एक फक्र से अपना सीना चौड़ा करके वो चल सकते. खैर, उनके नसीब में जय शाह था जो कि न काम का न धाम का है, तो इस करके उन्हें शायद जलन होती होगी काश मेरे भी बच्चे अच्छे होते. यू नो गुरजोत जी, यू हैव बीन वेरी वोकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स में. मैंने आपको देखा कि यू हैव बीन वेरी वेरी वोकल, बोले कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज इवन राहुल गांधी एंड पूरे इंडिया अलायंस ने एक स्टैंड लिया कि ये जो हुआ वो गलत हो गया 6000 करोड़. बट यू सॉ अमित शाह, राहुल गांधी जी ने कल भी शिवाजी पार्क में बोला कि चंदा दो और धंधा लो, हफ्ता वसूली, टेका लो रिश्वत दो, शेल कंपनीज के माध्यम से मोदी भ्रष्टाचार मोनोपोली, राहुल गांधी जी ने आरोप लगा दिया. और आपने भी बहुत अपने सोशल मीडिया कैंपेन्स में इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हाईलाइट कर दिया है. हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग? बिकॉज अमित शाह ने उसको ट्विस्ट कर दिया, बोले वी गॉट 303 सीट्स एंड वी गॉट ओनली 6000 प्रोरेट. आप देखोगे 14000 करोड़ पूरे नॉन बीजेपी पार्टीज को मिले. तो हाउ डू यू सी द स्पिन जो अमित शाह ने क्रिएट किया एंड हाउ डू यू सी द एंटायर इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोसेस? गुरजोत जी, मेरे दिल के एक नेता और एक देश के नेता ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्योंकि वो मेरे दिल के, वो मेरे देश के और वो इस मिट्टी के नेता है. तो वैसे ही एक दलालों के, एक बिजनेसमैनों के नेता है नरेंद्र मोदी जी. उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा. तो ये तो दलालों की सरकार है, ये अंबानी अदानी के नौकर को प्राइम मिनिस्टर बनाकर रख दिया देश में, तो वो तो उनकी दलाली ही करेगा. और मैं तो कहना चाहूंगा हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट, जिस हिसाब से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने आजादी की लड़ाई के लिए वो कदम उठाए थे, उस हिसाब से आज 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने, आज सीबीआई ने हमारे स्टेप्स उठा के इलेक्ट्रोरल बॉन्ड का ये जो स्कैम, हर्षल मेहता एक स्कैमस्टर थे, आज नरेंद्र मोदी एक स्कैमस्टर है, क्योंकि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने बिना बोले देश को सुना दिया है और ये दिखा दिया है हमारी सीजीआई ने, तो उनका भी धन्यवाद करूंगा. और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि ये देश देश रहना चाहिए, तो हमें हमारी उम्मीद बढ़ गई है सीजीआई के वो स्टेटमेंट के बाद कि इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का गलत ये जो यूज किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और एसबीआई ये जो बचा रही है, पर्दा उनके पापों पे डाल रही है, वो एसबीआई का भी पर्दा कैसे फाड़ना है ये सीजीआई को और हमारी कोर्ट को अच्छी तरह से पता है. और युवकों की मैं बात करूं तो मेरा मन, मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ, जब मैं मेरे सपनों में या तो मैं आंख बंद करके, कभी कभी हम हर एक, आप देखो जो राजनीति में है वो अपने सपनों में या तो अपने विचारों में वो सोचता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज यहाँ पर होते तो वो क्या कहते. तो जब भी मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज 2024 में होते तो उन्हें कैसा लगता, 100% तो नहीं सोच सकता हूँ, शायद 0.1% डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आशीर्वाद हमें मिले, और क्या वो सोचते, तो वो सोच मुझे बताती है कि ये दलाली है, ये दलाली, ये सिस्टम को इन्होंने दलाल बनाने की जो कोशिश की थी. अब धीरे धीरे हमारे सीजीआई के जैसे और भी अगर इंसान हिंदुस्तान को बनाने के लिए आगे बढ़े तो ये सिस्टम को, जिसका विश्वास है, युवकों का विश्वास सिस्टम से उठ चुका है बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, बिकॉज ऑफ देवेंद्र फडणवीस, बिकॉज ऑफ एकनाथ शिंदे, बिकॉज ऑफ दादा. अगर हमारे देश के सिस्टम में युवकों का विश्वास लाना है तो ऐसे डिसीजन बहुत जरूरी है, ऐसे लोग बहुत जरूरी है. और जिस हिसाब से शहीदी
1947 की लड़ाई में हमारे लोगों ने दी थी। आज हमारे सीजीआई ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और मैं कहना चाहूंगा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा कि जब पूरा सिस्टम डर रहा था तो वो अकेले उनकी आवाज हिंदुस्तान को बचाने में सुनाई गई थी। यू नो गुरजोत जी, कमिंग टू नेशनल पॉलिटिक्स, अमित शाह जी ने कहा कि देखो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में दिखाया कि सीमा और सेना पर वार अटैक नहीं सहेगा। मोदी जी कह घुस के मारेंगे, और घुस के मारने का वही था कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक। बोले कि 370 में हमने जिस प्रकार से कश्मीर को ज्वाइन करके एक पूरा कश्मीर में एक वातावरण बदल दिया, ये सब सिर्फ मोदी साहब कर सकते थे, ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन डू। आगे जाकर उन्होंने कहा कि CAA इज अ लॉ, अमित शाह जी कह रहे हैं CAA इज अ लॉ एंड नो स्टेट कैन ऑन इट्स ओन यू नो रिव्यू इट एंड स्टॉप इट, स्टॉप द प्रोसेस ऑफ CAA। तो इतने हार्श स्टेटमेंट जिस प्रकार से अमित शाह जी कह रहे हैं, मोदी जी का इंप्लीमेंटेशन की बात कह रहे हैं, यू नो घुस के मारने वाली, तो अभी हाउ डू यू सी दैट एंटायर स्टेटमेंट कमिंग आउट राइट नाउ इलेक्शन से पहले CAA वगैरह, हाउ डू यू सी द गुरजोत जी? मैं आज सुब्रमण्यम स्वामी जी की एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि किस तरह से चाइना हिंदुस्तान के अंदर आकर चाइना हमारी इंडिया की भारत की जमीन को कैप्चर करके चाइनीज मिलिट्री कैंप वहां पे लगा रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे अमित शाह जी कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक होते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे टेररिस्ट अटैक नहीं होते। मैं उनकी ये बात से 1000% सहमत हूँ, क्योंकि कांग्रेस वो टाइम पर अपनी सीमा का एक इंच एक सेंटीमीटर भी नहीं छोड़ती थी। तो लोग वहां पर आतंकवादियों को भेजकर हमारे यहाँ पर देश में दंगे कराते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने तो खुली छूट दे दी है चाइना को कि आप आइए हमारे देश में, हमारे देश के मिलिट्री कैंप कैप्चर कीजिए, हमारे देश के आप इतने अंदर आ गए। आज अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं, सुब्रमण्यम स्वामी वो खुद एक MP है, भारतीय जनता पार्टी के है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। आज लद्दाख में हम बैठ के देख रहे हैं कि कैसे वहां पर हमारे एक साइंटिस्ट वो कह रहे हैं कि गोरखाओं को चाइना वाले पैसे देकर, जो कि इंडियन आर्मी में गोरखाओं की हमारी शान है, वो गोरखा जो इंडियन आर्मी की शान थी, उन्हें चाइना वहां पर जॉब दे रही है कि आप हमारे यहाँ पर हमारे देश से लड़िए। तो मोदी जी ने तो खुला इन्विटेशन दे दिया है कि भाई आप टेररिस्ट अटैक मत करो, हम हमारे हाथ खड़े कर देते हैं, जितनी हमारी जगह चाहिए आप ले लो। तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये लीडर नहीं है, ये डीलर है। और ऐसे डीलरों का क्या करना है जो खुद का घर बेच रहा है, वो भारत की जनता अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में दिखाएगी। यू नो राहुल गांधी जी कल मंच पर, शिवाजी पार्क के मंच पर कहा कि एक सिग्निफिकेंट चाइना अरुण जेटली केम एंड टॉक टू राहुल गांधी एंड ही सेज राहुल गांधी डोंट टेक द कॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन, डोंट टॉक अबाउट द लैंड एक्विजिशन दैट वी आर गोइंग टू डू ऑन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। राहुल गांधी रिफ्यूज्ड, राहुल गांधी सेड आई डोंट गेट स्केयर्ड, आई एम नॉट अफ्रेड, एंड देन ही गोज ऑन टू कोट दैट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वॉज अनलीस्ड ऑन हिम। राहुल गांधी जी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अनलीश किया गया। राहुल गांधी जी सेज 50 घंटे का इंटरोगेशन, 50 आवर्स इंटरोगेशन बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड दे कुडंट गेट नथिंग आउट ऑफ मी। एंड आफ्टर दैट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस ने राहुल गांधी जी से कहा कि राहुल गांधी जी यू आर नॉट स्केर्ड, आप डरते नहीं है, आप नहीं डरते, और इसी ये आपका क्वालिटी है विच विल डिफीट प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द कमिंग इलेक्शंस। नाउ हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? राहुल गांधी जी इज ट्राइंग टू टेल एनफोर्स विद इन द कार्यकर्ता कि डरो मत, लुक एट मी, आई वाज नॉट स्केर्ड, 50 आवर्स ऑफ इंटरोगेशन इन स्पाइट ऑफ अरुण जेटली, लीड ऑफ द स्टेचर ऑफ अरुण जेटली कमिंग एंड टेल मी आई रिफ्यूज टू बज। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट गुरजोत जी? बिकॉज दिस इज अ सिग्निफिकेंट टॉक दैट ही हैज गिवन यस्टरडे। ईडी की मैं बात करूं तो जिस हिसाब से अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों की पुलिस थी, वो खुद हिंदुस्तानी थे पुलिस में, पर वो हमें इंडिपेंडेंस की बात करने से रोकते थे, हमको कहते थे कि तुम अन्याय बर्दाश्त करो। तो जिस तरह से हमारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों की बटालियन में शामिल होकर, उनकी पुलिस में शामिल होकर भारतीयों को तंग किया, उस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि ईडी की टीम को देखो, हम वो है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, हम वो है जो देश से प्यार करते हैं। और ईडी की मैं बात करूं तो ईडी आकर चोरों को पकड़ता है, मैं मानता हूं हमारी पार्टी में चोर थे, इसके लिए धन्यवाद ईडी का कि आपने हमारी पार्टी के चोरों को पकड़ा
और उनको भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया। और हम कहते हैं कि आज हमारी पार्टी एक्सटेंशन, आज कांग्रेस साफ है, ईडी की वजह से साफ है, क्योंकि उन्होंने सभी चोरों को भारतीय जनता पार्टी में डाल दिया। ईडी चलती है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर। और मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन हमारी सरकार आई, ईडी के उन करप्ट ऑफिसर्स का क्या करना है, ये मुझे शायद हमारे पार्टी के लीडर्स को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जनता वो टाइम पर, ये जो अंग्रेजों के ऑफिसर्स हैं, ये जो दलाल ईडी के ऑफिसर्स बैठे हैं, इनका क्या करना है, वो टाइम पे जनता, वो टाइम पे हम हिंदुस्तानी, और वो टाइम पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनका क्या करना है अच्छी तरह से पूरे हिंदुस्तान को दिखाएगी। यू नो गुरजोत जी, एक चीज है कि आई वांट टू आस्क यू अबाउट बारामती अगेन, बिकॉज यू हैव बीन अ वेरी क्लोज ऑब्जर्वर व्हेन पवार साहब, शरद पवार साहब इज देयर, सुप्रिया सुले जी है, यू हैव बीन फंटास्टिक, एंड यू हैव बीन अ वेरी कर्मठ, जिसे बोला एनसीपी शरद पवार साहब पार्टी के एक्टिव वर्कर। बारामती में क्या सुप्रिया सुले जी ने जिस प्रकार से कहा कि देर आर थ्रेट्स इमिनेटिंग, देर आर थ्रेट्स कमिंग टू वेरियस पीपल इन बारामती, एंड देन शी हाईलाइटेड हर्षवर्धन पाटिल, she said even he has been getting threat, and he wrote a letter to the home minister and his own party leader Devendra Fadnavis ji ki mujhe bhi threat aa raha hai. Supriya Sule ji, many more people are getting threats in Baramati. Now how do you see this? And she said this is a failure of Devendra Fadnavis ji government, the failure of the home minister, ki ek vatavaran aisa ban gaya hai, a hostile vatavaran ban gaya, threat chal raha hai, and Sharad Pawar's response to Shelke was because of this kind of atmosphere in the state where Mr. Fadnavis as a home minister has failed. Gurjot ji, how far do you see this Supriya? It's a significant statement by Supriya Sule ji. Vatavaran kya law and order ka itna bigda hua hai, especially Baramati? Aaj main baat karu pure Maharashtra ki, khas kar ke Baramati ki, to Baramati mein khade hone se pehle hi Bharatiya Janata Party ko pata hai ki wo seat wo haar chuke, kyunki wahan par Supriya Sule tai jo ki sansad ratna, maha sansad ratna hamare hai, और सुप्रिया सुले ताई की अगर मैं बात करूं तो ये सुप्रिया ताई इज अ लेडी हु वी सी एज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, शी डिजर्व्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, शी इज एजुकेटेड, शी इज द वन जो पॉलिसीज लेके आएंगे। वो मैं बात करूं भारतीय नारी कैसी होनी चाहिए, उनकी एक काफी अच्छी छवि हमारी सुप्रिया सुले ताई है। तो सुप्रिया सुले ताई महाराष्ट्र में बारामती में कहीं से भी खड़े हो जाए, वो जीतने वाले हमको पता है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही है, अमित शाह जी के खुद के बच्चे इतने नहीं काबिल है, तो वो कोशिश करते हैं कि दूसरों के बच्चों को जो उनकी काबिलियत है उसको कैसे नीचा किया जाए। तो ये जो गुंडा राज, जो यूपी बिहार में गुंडा राज भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, वो सोच रहे ये महाराष्ट्र में चलेगा। तो हम उनको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमने अभी तक अपने हाथों में ये गुंडों को सबक सिखाने का अभी तक जिम्मा नहीं लिया है। नहीं तो ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि कर्म भूमि है, और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और गोविंद सिंह जी ने हमारे अच्छी तरह से हमें सिखाया है कि लड़ाई कैसे करते हैं। तो गुंडाराज अगर फडणवीस खत्म करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सरकार का काम है, नहीं तो वी विल हैव टू सैक्रिफाइस आवरसेल्फ, हमको हमारे हाथ गंदे करने पड़ेंगे। और वो जो गुंडाराज है उसे कैसे खत्म करना है ये हमें अच्छी तरह से आता है। Gurjot ji, thanks for being on the show. You are energetic. You can say Sharad Pawar ke loyalist, ek jo bolte hai, kattar, samarthak. And we are really proud the way that you are doing so much of activities. Chahe wo electoral bonds wale issue, Modi ji ko expose karne wale, BJP ko expose. You have been in the forefront and doing a fantastic job. And even your today's interview was fantastic, full of energy and full of actual facts. Thank you for being on the show. Thank you so much, Gurjot ji. You are hum Bharatiya hai. और युवाओं का और भारतीयों का एक काफी अच्छा चीज है कि हम ईमानदार होते हैं, तो आज युवा ईमानदार है, आज भारतीय ईमानदार है, और ईमानदारी है इस करके हम शरद पवार साहब के साथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो, थैंक यू सो मच, प्लेजर बीइंग ऑन द शो। वी गो टू राहुल गांधी जी स्पीच एट शिवाजी पार्क, वील हैव अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ दिस। आई विल रिक्वेस्ट द इंजीनियरिंग टू पुट ऑन द राहुल गांधी जी, यस, the way he spoke. Let us hear Rahul Gandhi ji. और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है
मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से डरने लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति के मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है, और वो सब डर के गए हैं। चार हजार किलोमीटर चला, उसके बाद 6000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र, मुंबई, धारावी। क्या मैंने देखा, क्या सुना, मैं आपको समझा नहीं सकता, शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको। बोल रहा हूं तो बात याद आई, मेरे पास एक युवा आता है, जीप पर कूदता है, सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं, दबाकर मारते हैं, तब भी वो आता है, हाथ पकड़ता है, आंख में आंसू, मुझे कहता है राहुल जी, मैंने 3 साल हर रोज सुबह रनिंग की, पुलअप्स की, पुशअप की, दंड बैठक सब कुछ मैंने किया, मेरे दिल में देशभक्ति थी, मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं, देश के दुश्मनों के सामने कांपूं, और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं, यह मैंने सोचा था। राहुल जी, अग्निवीर लागू कर दिया, मेरे देश ने मुझे धोखा दिया है। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको यह करना है, कल आपको यह बोलना है, परसों आप यह करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, गुड इवनिंग, माय अपोलॉजीज फॉर रीचिंग लेट, द मोस्ट हॉरिबल ट्रैफिक इन द वर्ल्ड, ऑल द वे फ्रॉम बोरिवली वेस्ट राइट अप टू हियर टू बीकेसी, इट वाज लाइक टेरिबल एंड absolutely horrible. Haven't been in this kind of a traffic jam in a long, long time. It's like, I don't really know what's happening to this city. Maybe after they finish all the construction and everything else, maybe the city will look great. I don't know. Development is a continuous process. You have more the further developments. But that was a great rally. I'm sure you've discussed it already. But what a rally! I mean, look at the number of people there. My God, amazing. Lakhs upon lakhs of people. Of course, the Congress is making absolutely absurd claims that there were, 15 lakh people and 16 lakh people. Shivaji Park cannot accommodate more than 70,000-75,000. So, there could have been maximum 1.5 lakh, 2 lakh people, including the people standing outside. But it was a very successful rally. Zabardast rally thi, usme koi do raya nahi. That is absolutely true. What is your opinion? It was fantastic. Sir, any of these rallies are fantastic. It energizes the entire Karyakarta rank and file. They feel energized. They see, they want to work. Actually,
every worker of the Congress, every worker of Uddhav Thackeray, every worker of Sharad Pawar. And Aam Aadmi Party. Don't forget Aam Aadmi Party. They were functions. There too. No, all of them. The entire India Alliance, they all won. The entire rank and file wants to work. And the elections have already been declared. They don't want to be left at home. They want to come out on the field, fight for their party, see that their candidates win. Yes. Mix and take the messages of the leaders down to the mouses, every houses, like how Aam Aadmi Party does all the time. तो ये एक प्रोसेस है और ऐसे शिवाजी पार्क का रैली है. इट वॉज सक्सेसफुल रैली. दो एकनाथ शिंदे जी, उद्धव, जितने महायुति के लोग हैं कहते हैं कि बकवास था, कुछ नहीं था, फ्लॉप रैली, कोई आया नहीं था. यस यस, बट इट वॉज देयर फॉर एवरीबॉडी. देयर वाज नॉट अ सिंगल स्पेस आउट देयर. वी जस्ट सॉ दैट. वी जस्ट सॉ दैट. लेकिन एंड द वे मिस्टर मोदी हैज स्मार्टली टर्न इट अराउंड, ही सेड कि हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं, ये शक्ति को हराना चाहते हैं. एनीवे दैट्स यूजुअल विद मिस्टर मोदी. बट एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द आम आदमी पार्टी एडवोकेट संदीप काटके साहब. संदीप काटके साहब नमस्कार. नमस्कार 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 सर. नमस्कार नमस्कार. जय सिया राम. कैसे हैं सर? जय सिया राम जी. मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर. जबरदस्त रैली कल तो, मतलब माशाल्लाह जबरदस्त. आपने सौरभ भारद्वाज जी भी बोले, बहुत बहुत बढ़िया बोले कल, देखने में मतलब देखा हमने स्टेज से. और yes, yes. मतलब आप थे या नहीं थे, मतलब मैंने आपकी तस्वीर नहीं देखी. मैंने रूबन मास्करेनस की तस्वीर देखी, मैंने बाकी सबकी मैंने तस्वीर देखी, प्रीति शर्मा मेनन वगैरह वगैरह सब सब लोगों की देखी. आम आदमी पार्टी के जितने लोग थे वहाँ पे, सब अपनी आम आदमी की टोपी पहन करके वहाँ पे बड़े डिस्टिंग्विश दिख रहे थे वहाँ पे. तो आप थे सर वहाँ? वही वही उदय शिवाजी. हाँ, मैं था वहाँ पे. तो मैं ऐसा था कि जैसे बहुत सारे इंडिया गठबंधन के नेता थे जी, जो आए थे, हयात में रुके थे, तो उसमें कुछ नेता दे वी कैन सी उदय. वो बोल रहे हैं आप? हाँ, दिख रहे हैं आप, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं. या आपने खड़गे साहब धारावी में राहुल गांधी जी का यात्रा का स्वागत किया जी. आप और पूरे जो गुट है आम आदमी पार्टी के, वहां पर खड़े होकर सत्कार किया राहुल गांधी जी को जब जा रहे थे. दैट कैसे कैसे आपको महसूस हुआ? बिकॉज इट वाज अ फैंटास्टिक इवेंट. धारावी में आप लोग सब थे, धारावी में स्वागत किया उनका राहुल गांधी जी का. खड़गे साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो राहुल जी की रैली थी जो मणिपुर से निकली थी, उस मणिपुर की रैली का जो लास्ट डेस्टिनेशन था वो धारावी था. तो उनकी लास्ट जो भाषण हुआ, समारोह भाषण जिसको कहते हैं उस रैली का, वो धारावी में हुआ. तो अपने आप में उसका एक अलग महत्व है कि धारावी में अभी फिलहाल अदानी के माध्यम से डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी सरकारें जो है वो अदानी के लिए काम कर रही है. तो ऐसे माहौल में जब कोई राष्ट्रीय नेता अपनी एक जिम्मेदारी समझकर धारावी जैसे एरिया में आता है और धारावी के बारे में बात करता है, एक नेशनल नेता, तो अपने आप में एक बड़ी बात है. कल अगर आपने शिवाजी पार्क का राहुल गांधी जी का भाषण सुना होगा जी, तो वहां पे भी उन्होंने धारावी के बारे में, मतलब उनका पूरा जो भाषण था वो धारावी सेंट्रिक था. तो उन्होंने धारावी को कहा कि धारावी जो है ये सिर्फ एक स्लम नहीं है, बल्कि धारावी हुनर का कैपिटल है. मतलब धारावी के अंदर, जो हमेशा से मैं कहता हूँ कि धारावी के अंदर लेदर इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, पॉटरी इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, और काफी स्किल्स वाली जो इंडस्ट्रीज धारावी में है. मतलब धारावी एक ऐसा जगह है जिसको आप चाइना के साथ में मैच कर सकते हो, क्योंकि काफी चीजें जो है जो चाइना में बनती है वैसी चीजें धारावी में बनती है, भले आप उसको कॉपी समझो या धारावी करो का स्किल समझो. तो वो सब बातें जो है राहुल जी ने शिवाजी पार्क के माध्यम से पूरे देश को बताई. धारावी में वो खुद आए और धारावी में उन्होंने भाषण भी किया. मैं खुद राहुल गांधी जी के बाजू में था, उनकी गाड़ी के बाजू में, और भाषण करने के टाइम पे भी वो सभी जो वहां पे मौजूद लोग थे उनके आंखों में आग डाल के बात कर रहे थे. वैसे एक मौका बना तो वो भाषण करते करते उन्होंने मेरे को देखा, तो मेरे भी आई कांटेक्ट उनके उनमें थे. तो मोदी जी के ऊपर उन्होंने बोलने शुरू किया, तो फिर मैंने उनको कहा चंदा मामा. तो राहुल जी ने वो चंदा मामा वर्ड जो है उनके भाषण में लिया और मोदी जी को कहा कि हाँ मोदी जी तो चंदा मामा है. तो इस प्रकार से इंटरेक्शन जो है राहुल गांधी जी के माध्यम से पब्लिक के साथ में हो रहा था, आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ में हो रहा था. पूरे कॉन्फिडेंटली उन्होंने लोगों को अच्छा बूस्ट कर दिया और मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के लिए एक सक्सेसफुल रैली थी, जहाँ पे सभी पार्टियों के सभी नेता आए थे. वहां पे जो लालू प्रसाद के जो लड़के है उनका भी बहुत बढ़िया भाषण हुआ, जबरदस्त. तेजस्वी यादव जी का बहुत जबरदस्त, तेजस्वी यादव जी का भी बढ़िया भाषण हुआ. तो मतलब एक राहुल जी वहां से मन से वही कह रहे थे कि ये कांग्रेस की रैली नहीं है, इंडिया गठबंधन की रैली. इंडिया मतलब पूरा सभी पार्टी आए और सब यहाँ की जनता आई. मोदी जी का भाषण होता तो मोदी जी के भाषण में सिर्फ मोदी जी अकेले ही बात करते हैं, लेकिन इंडिया मंच के माध्यम से सभी इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने शिवाजी पार्क में कल भाषण किया.
तो ये अपने आप में एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया गठबंधन में हर एक जन को बोलने का पूरा स्वतंत्र है, हर एक जन अपनी भूमिका स्पष्ट तरीके से मंच के माध्यम से बोल सकता है, लेकिन ये माहौल जो है वो एनडीए गठबंधन में नहीं है, क्योंकि अगर मोदी जी वहां पे रहेंगे तो बाकी कोई भी नेता जो क्या बोलेगा उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और कोई उसको सुनेगा भी नहीं। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन मॉडल जो इंडिया और एनडीए का है। काटके साहब, जो अदृश्य शक्ति के बारे में पहले सुप्रिया सूले जी बात करती थी, उसी शक्ति के बारे में राहुल गांधी जी ने कल अपने भाषण में भी कहा। आज मोदी जी ने ये कहते हुए उसको नकारा कि हम लोग तो शक्ति की पूजा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज उसी शक्ति का पूजन करके उन्होंने दिल्ली के सिंहासन को यानी मुगल साम्राज्य को हरा दिया। ये लोग उसी शक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इनकी मंशा क्या है ये दिखता है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये मोदी जी का कहने का एंगल था, लेकिन ये एंगल जो राहुल गांधी जी ने कहा वो एकदम स्पष्ट था, क्योंकि मोदी के पीछे जो शक्ति है वो आरएसएस की है, वो एक धार्मिक जो संगठन है उसकी है, भले वो विश्व हिंदू परिषद रहने दो या उनके अलग और अन्य अन्य संगठन रहने दो। तो मोदी जी जो है वो एक कलाकार है, तो राहुल जी ने भाषण में कहा कि उनको अगर कोई कह देगा, उनकी शक्ति अगर कह देगी पानी में कूद जाओ तो वो पानी में कूद जाएंगे, उनकी शक्ति कहेगी फाइटर में बैठो तो फाइटर में बैठ जाएंगे। तो मोदी सिर्फ एक कलाकार है और उनसे कला करवाने वाले कोई और लोग है, वो शक्ति जो है वो शक्ति के साथ में पूरे इंडिया गठबंधन का और सभी भारत की जनता का लड़ाई है। ये मोदी जी के साथ वाला लड़ाई है, मोदी जी के साथ में जो शक्ति जुड़ी है, जो धार्मिक तुष्टिकरण का काम करती है, जो एक्सप्लॉयटेशन करके उनकी जो दोस्त है कॉरपोरेट्स है उनको फायदा दिलवाती है, जो उनके चहेते लोग हैं उनको बड़े बड़े टेंडर दिलवाती है, तो उस शक्ति के बारे में राहुल जी कह रहे थे। मोदी जी तो कलाकार है, तो उन्होंने अपनी कला से ये चीजों को अलग तरीके से जनता के सामने पेश किया है। तो ये सब चीजें तो राजनीति है, राजनीति में ये सब चीजें होती रहेगी, लेकिन फैक्ट ये है कि राहुल जी ने जो कहा वो एकदम सही था, क्योंकि मोदी जी की शक्ति जो है वो भारत का संविधान बदलना चाहती है और संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो है वो अभी तैयार है जी। और आज की तारीख में पहले मनीष सिसोदिया साहब की जो क्यूरेटिव पटिशन थी वो भी खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आज सत्येंद्र जैन जी को भी बेल नहीं दिया गया उसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये मतलब जो मैंने पढ़ा है उसमें, यू आर एन एडवोकेट योर सेल्फ सर, पीएमएलए की वजह से जो एक्ट में प्रावधान है शायद उसकी वजह से यहां तक के सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ जरा बंधे हुए हैं लोगों को जमानत देने में। काट के साहब, ये सही बात है, क्योंकि पीएमएलए कानून का प्रोविजन है, बाकी देखो हम हर एक कानून की बात करते हैं तो यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यस, लेकिन पीएमएलए कानून में ये अज्यूम किया जाएगा कि आप गिल्टी हो तो ओनर्स ऑफ प्रूविंग आपके ऊपर आता है, जबकि अलग दूसरे कानून में ओनर्स ऑफ प्रूविंग जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर आता है। एंड यू आर गिल्टी विदाउट प्रूफ, इसलिए And you are guilty without evidence. Yes, till the completion of trial. Yes. So it is a discretion. Bail is always discretionary power of the court. Yes. So in bail proceedings, the court has to decide whether they want to use that discretionary power or not. But in PMLA, court is also very stringent because the law is stringent, and it is already made the provision in the law that you are guilty unless you are proven. However, in a couple of cases, sorry to divert, because I really want to know what you think over here, because you have a very, very, very incisive legal mind as well. The Delhi High Court, for instance, last week in a judgment, told the Directorate of Enforcement that please don't use fruits of crime like a magic mantra. Please don't keep using that unless and until you give me evidence. I will not be able to grant your application for extension of custody in one particular case. And custody and bail was granted. Now, obviously, there are some high courts, for example, Madras High Court, Delhi High Court, who have been very courageous in taking on this particular aspect of this law. Katke sir. That's why मैंने पहले कहा, शुरुआत में कहा कि bail is a discretionary power. मतलब अगर समझो हम NDPS का भी कानून देखेंगे, NDPS के कानून में bail के ऊपर bar है,
उसमें भी ऐसे क्योंकि वो भी स्पेशल प्रोविजन है, उसके लिए भी स्पेशल कोर्ट होता है, तो वैसे पीएमएलए भी स्पेशल एक्ट है, इसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन है। तो इसमें उस डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करने के लिए अगर मटेरियल कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट उसको यूज कर सकता है। तो काफी मैटर्स में कोर्ट ने डिस्क्रिशनरी पावर यूज किया है और काफी मैटर्स में आउट ऑफ कंपल्शन दे कैन नॉट यूज दिस डिस्क्रिशनरी पावर एज इट इज ऑलरेडी लेट डाउन इन द लॉ दैट यू आर गिल्टी अनलेस यू हैव बीन प्रूवन इनोसेंट। जी सत्येंद्र सिंह जी कांटे साहब, सत्येंद्र जैन जी के इशू में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू सरेंडर यू गो बैक टू तिहाड़ जेल एंड पूरे आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता बाहर निकले बोले कि दे फाइंड समथिंग अनफेयर, बोले ये अनफेयर है, ये अनफेयर है। केजरीवाल जी को 9th समन दिया, केजरीवाल जी भी आज स्किप किए समन्स, तो ही हैज आल्सो स्किप। नाउ दिस सीम्स टू बी हाउंडिंग। एट द सेम टाइम बोले कि राम रहीम जी को, बहुत सारे कार्यकर्ता जो हम लोग देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के, राम रहीम रेपिस्ट को पेरोल मिलता है, ब्रिज भूषण जो है वो बाहर अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, वो अरेस्ट नहीं होता, ही डिड नॉट गेट अरेस्टेड, ही इज नॉट अरेस्टेड एट ऑल, नो एफआईआर। तो हाउ डू यू सी, क्या दिस इज यू कैन से ग्लोरियस कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन द लॉ एंड विद इन द गवर्नमेंट दैट जो आपके साथ है उसमें कोई कानून अप्लाई नहीं करता, नो पीएमएलए हो ना कोई हो, बट जितने विरोधी दल है ऑपोजिशन है उसमें हर कानून हर जुर्म एब्सोल्युटली ट्रू एंड स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। तो क्या ये दिख रहा है, आम कार्यकर्ताओं को दिखने लगा ये? अभी हम हमेशा सभी जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स है सभी लोग, या मैं भी हमेशा आपको बोलते रहता हूँ कि डेमोक्रेसी के जो चारों स्तंभ है वो चारों स्तंभों को इन्होंने निस्तराबूत कर दिया है। तो इसमें का एक जो ब्यूरोक्रेसी का स्तंभ है जिसके अंडर पूरे अपने पुलिस यंत्रणा ईडी सीबीआई आती है, तो ये भी पूरा उसका मिसयूज जो है बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। बीजेपी के अपोजिट में अगर कोई रहता है तो उसके ऊपर इसका उपयोग होता है, और वो जैसे ही पार्टी बंद, उसकी पार्टी चेंज होती है और वो बीजेपी की तरफ आता है तो उसके ऊपर की पूरी इंक्वायरी बंद हो जाती है, उसकी फाइलें उनकी गायब हो जाती है। जैसे छगन भुजबल के केस में कहा गया कि फाइल नहीं मिल रही है, फाइल गायब हो गई दफ्तर से। तो इस प्रकार के रीजन जो है वो सरकार के माध्यम से आते हैं। तो ये सीधी सीधी बात है कि ये जितनी भी चीजें हैं सब मैनिपुलेटेड है, और सरकार जो है इस यंत्रणाओं का उपयोग जो है अपने कार्यकर्ता की तरफ कार्यकर्ता की तरह यूज कर रही है ईडी सीबीआई को, और ये उनकी पपेट हो गई है। कल उद्धव जी ने भाषण में कहा कि अपने इंडिया में डेमोक्रेसी है ऐसा मोदी जी को बताना है, वैसे डेमोक्रेसी तो रशिया में भी है। जैसे रशिया में पुतिन का कोई विरोधी नहीं है, अगर यह कोई विरोधी होता है एक तो या जेल में होता है या उसकी मर्डर की जाती है। तो उस प्रकार का एग्जाम्पल जो है वो मोदी जी के माध्यम से देश में लागू होते जा रहा है। अगर मोदी जी थर्ड टाइम जीते तो अगले समय में आपको अपोजिशन दिखेगा नहीं और अपोजिशन के कोई नेता दिखेगा नहीं। एक तो वो नेता जेल में, मोदी साहब कह रहा है कि देखो 10 साल में मेरा काम देखिए, जो रिपोर्ट कार्ड है वो देखिए, इतना भव्य रिपोर्ट कार्ड है और 25 साल का रोड मैप है, 25 साल का रोड मैप है, सिर्फ 2029 तक नहीं है। मोदी साहब ने कहा मेरा 2047 तक आप देखिए, मेरा प्लान कर दिया हूं, विश्व गुरु तक का प्लान कर दिया हूं, 10 साल का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया और 25 साल का रोड मैप। मेरा हक बनता है कि मैं 400 प्लस मांगू, आर्टिकल 370 हक है मुझे 370 बीजेपी को मांगने के लिए। पर राहुल गांधी जी ने कल मंच पर कहा राजा का आत्मा ईवीएम में है, राजा का आत्मा ईवीएम में है। तो क्या ईवीएम एक कानून एक ही चीज है जिसपे 400 का दावा कर रहा है? इसी दैट करके साहब देखो ये सीधा सीधा बात है, मोदी जी के राज में सभी, जैसे हमने देखा इलेक्शन कमिश्नर का जो पहले का अपॉइंटमेंट था उसमें चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन वो मोदी जी ने पार्लियामेंट में कानून पारित करके उसको निकाल दिया। यानी इलेक्शन कमीशन भी आज के तारीख में जो है वो एक जो सत्ता वाली पार्टी है रूलिंग पार्टी है वो अपॉइंट करती है कि भाई इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाएगा। अगर मैं अपने आप के लिए इलेक्शन कमिश्नर या किसी को नियुक्त करता हूं तो जाहिर सी बात है जिसकी भी नियुक्ति होगी वो तो मेरा ही काम करेगा। तो इसकी वजह से ईएम के ऊपर भी पूरा शक है। ईवीएम को हर पार्टियों ने लेटर भेजे, सब पार्टियों ने कहा कि एक बार जो ईवीएम आई है उसको खोल के उनको उसको डिसेंबल करके बताओ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये बात मानती नहीं। सभी विरोधी पक्ष पार्टियों ने ये कहा कि आप अपने पास जो वीवीपैट है वो वीवीपैट का जो काउंटिंग है वो होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके लिए राजी नहीं है। तो किधर ना किधर ये मैनिपुलेशन है, और सिर्फ मैनिपुलेशन के आधार पर बीजेपी जो आंकड़े देती है वो आंकड़े वो लेके आती है, जिसके लिए इसका पूरा जो क्रेडिट है मोदी जी का वो इलेक्शन कमीशन को भी जाने वाला है और ईवीएम मशीन को भी जाने वाला है।
अगर एक बार करके दिखाए। और संदीप पांडे साहब दूसरी चीज क्या है कि जितने भी अभी सर्वेक्षण आ रहे हैं वो सब लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि इंडिया अलायंस को तो मतलब नाम के वास्ते 126 सीट दिखा रहे हैं इंडिया अलायंस की या 130 सीट दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और मतलब एनडीए की 376 375 कई लोगों ने तो 400 भी दिखा दिए हैं। तो मतलब पहले से ही लोगों को तैयार किया जा रहा है कि एनडीए की 400 पार पक्की है। संदीप काटके सर ये साइकोलॉजिकल ब्रेन गेम तो बीजेपी हमेशा खेलती है। एक परसेप्शन बढ़ाने का काम जो है बीजेपी के मार्फत हमेशा होता है, एक नैरेटिव सेट करना होता है। तो उस प्रकार से उन्होंने अभी सब नैरेटिव सेट किया है कि देखो विरोधी, क्योंकि अगर आप कोई भी चैनल खोल के देखो, आप टीवी लगाओ, आप सोशल मीडिया पे जाओ, आप कहां पे भी जाओ, आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिखेगा मोदी जी का। 5-5 मिनट में मोदी जी आएंगे। अभी तो वो जो एक एड था मोदी जी का उसका तो बहुत ट्रोलिंग हो रहा है, जिसमें मोदी जी ने यूक्रेन में वॉर रोका के बस निकाली थी जी। तो उसका काफी काफी ट्रोलिंग पब्लिक कर रही है। मतलब पब्लिक को खुद को पता है कि भाई ये अगर मोदी जी रशिया का वॉर रोका सकते हैं तो मणिपुर में जाके मणिपुर का वॉर जो अपना सिविल वॉर है उसको क्यों नहीं रुका। तो ये सब दिखाने वाली बातें हैं, दिखावे की बातें हैं। और वो दिखावे की बातों के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए मीडिया हाउसेस को मिल रहे हैं। और मीडिया हाउसेस भी पूरी जो खबरें हैं वो बीजेपी की और मोदी जी की बता रही है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, मुझे बताओ कौन सी नेशनल मीडिया है जो इस इलेक्शन के भ्रष्टाचार के ऊपर कह रही है कि भाई इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। असली ईडी सीबीआई की इंक्वायरी तो इसके ऊपर होनी चाहिए कि जो कंपनी का टर्नओवर ही समझो 20 करोड़ है और वो कंपनी 200 करोड़ का डोनेशन देती है, तो ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आउट ऑफ व्हाट कॉन्टेक्स्ट दे हैव डोनेटेड दिस। मैदा इंजीनियरिंग की बात सब जगह पे हो रही है, मैदा इंजीनियरिंग से 820 करोड़ का चंदा आता है और उनको 14,000 करोड़ का टेंडर मिलता है। और गडकरी जी कहते हैं कि भाई मैदा इंजीनियरिंग को कॉन्ट्रैक्ट देने की वजह से भारत का पैसा बचा। तो अगर भारत का पैसा बचता तो वही पैसा तो बीजेपी के पास जा रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। अभी तक तो पूरी एसबीआई ने पूरी लिस्ट जो है अभी तक जारी नहीं की है, इसमें बहुत सारे नाम अभी सामने आने हैं। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी ने किया है, इसके लिए मोदी जी का नाम पड़ा है चंदा मामा। और दूसरी चीज सामने जो आई है, चंदा दो और धंधा करो। एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हाल ही में एक काफी बड़ा चैनल है जिनकी बहुत बड़ी न्यूज मैगजीन है, मतलब मुझे नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, आप अगर नाम लेना चाहें या ना लेना चाहें आपके ऊपर है। इंडिया टुडे इज अ वेरी बिग चैनल एंड इंडिया टुडे एट वन टाइम यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड न्यूज मैगजीन्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। जबरदस्त हुआ करती थी इंडिया टुडे एज अ न्यूज मैगजीन, देन दे केम अप विद हेडलाइंस टुडे, हेडलाइंस टुडे बिकेम इंडिया टुडे। वो आज तक के भी मालिक हैं। उनकी जो सीईओ हैं और शायद एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कल्ली पुरी जो हैं, अरुण पुरी साहब चेयरमैन हैं, उनकी बेटी ने कहा कि हम पर जो लांछन लगाया जाता है गोदी मीडिया का वो बिल्कुल गलत है, हम तो न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं साहब, हम क्या करें, ये बॉक्सिंग मैच की तरह है, इट्स लाइक अ बॉक्सिंग मैच, इफ वन पर्सन इज विनिंग एंड द अपोनेंट इज नॉट इवन अपियरिंग इन द रिंग व्हाट कैन वी डू। ऐसा उनका कहना है कि सामने वाले जो हैं जैसे इंडिया अलायंस जो है वो अगर रिंग में ही नहीं है तो उसमें हमारी गलती क्या है, बताएं सर काटके साहब। इंडिया अगर इंडिया अलायंस रिंग में है नहीं है बात तो नहीं है, बात ये है कि आप खबरें सच बताते हैं। सबसे पहली बात तो हमको उधर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर इनके न्यूज के ऊपर जो खबरें आती है वो सब खबरें किस माइंडसेट से है, वो खबरों के पीछे का उद्देश्य क्या है, और इनके चैनल को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो किधर से आता है, और उस रेवेन्यू के माध्यम से वो इन रिटर्न इनको क्या दे रहे हैं, ये सब बातें हैं ना। तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा ना। अगर आप आज तक खोलोगे तो आज तक के सारे एंकर जो है वो मोदी जी को ग्लोरीफाई करने के पीछे लगे रहते हैं, जैसे कि उनको सैलरी जो है वो बीजेपी के दफ्तर से मिलती है, उस प्रकार का काम जो है पूरे मीडिया में चल रहा है, इसीलिए उनका नाम गोदी मीडिया रखा है। अभी आज आप जितने भी टीवी चैनल है सबकी बात करो, कोई भी टीवी चैनल जो है वो मोदी जी के अगेंस्ट में एक भी खबर दिखाता नहीं है और सब मोदी जी को ग्लोरीफाई करने के पीछे लगे हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप सोशल मीडिया चैनल देखो, जो पत्रकार जो वरिष्ठ पत्रकार थे जिनको मीडिया हाउसेस से निकाल दिया, चाहे वो रवीश कुमार हो या चाहे अपने मुंबई का सोहित मिश्रा हो, ये काफी लोग जो थे वो सच खबर दिखाते थे और उनकी सच्चाई इस मीडिया चैनल को नहीं हजम होती थी, क्योंकि मीडिया चैनल के ऊपर रूलिंग पार्टी का पैसा है, इसलिए उनको निकाला। और वो जो है अभी जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी जो खबरें बताते हैं उसमें ज्यादा ऑथेंटिसिटी है ऐसा सभी लोगों को लगता है।
तो मीडिया जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर से लोगों का भरोसा जो है धीरे धीरे उतरा है। बाकी जो बीजेपी के भक्त है उनका ही उनकी एक बड़ी जमात है और वो सब उनको फॉलो करते हैं उनके न्यूज़। लेकिन एक चीज तो है साहब, सुप्रीम कोर्ट के चार फैसले आए हैं अभी तक, चार ऐसे फैसले आए हैं जिससे मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को अब यह विश्वास हो जाना चाहिए कि लोकतंत्र और जनतंत्र इसको इसकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। सबसे पहला बिल्किस बानो का केस जो था, उसमें वो जितने भी रेपिस्ट छोड़े गए थे, रेपिस्ट और मर्डरर जितने भी छोड़े गए थे उनको वापस जेल भेज दिया गया। दूसरा वो चंडीगढ़ का जो मसला था, चंडीगढ़ में जो वो जो हुआ है क्या मेयर इलेक्शन, आम आदमी पार्टी का जो मेयर इलेक्शन वो चुराने की कोशिश की गई थी वो दूसरा था। तीसरा ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो मैटर है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट पीछे लग गया साहब, वो तो छोड़ ही नहीं रहे। उन्होंने तो कहा कि नहीं साहब पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए वरना, और यहाँ पर तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि अगर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन नहीं होते, कोई और होते, अगर कोई और एजेंसी होती तो अभी तक तो वो जेल में होते। और चौथा एक और आज एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, ज़बरदस्त जजमेंट आई है, हिमाचल प्रदेश में स्पीकर साहब ने जो 6 कांग्रेस के MLA सस्पेंड किए थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी राज्यसभा के चुनाव में, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू इंटरफियर अगेन। यू हैड वेरी हैवी वेट्स लाइक मिस्टर हरीश साल्वे एंड अदर्स आर्ग्यूइंग फॉर द बीजेपी एंड अगेंस्ट द स्पीकर डिसीजन, दे वॉन्टेड अ स्टे, कि भाई स्टे दे दीजिए ताकि द गवर्नमेंट शुड कम इन अ माइनॉरिटी, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज। तो मतलब हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की सुक्कू साहब की जो सरकार है वो बच गई है। उन्होंने कहा कि भाई स्पीकर की पावर्स में हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। तो चार ऐसे फैसले आए हैं जिससे तो ये लगता है कि उच्चतम न्यायालय जो है हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक इस वक्त है। काट के साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ऐसे निर्णय जो है वही तो सुप्रीम कोर्ट की जो ट्रस्टवर्थीनेस है उसको लोगों के दिलों में कायम रखते हैं। तो ये सभी निर्णय का तो स्वागत तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ कुछ मामले ऐसे हैं जिस मामलों में डायरेक्टली सीधा बीजेपी इन्वॉल्व है, या फिर जैसे कि ईवी और CBI के मामले हैं जो अलग अपोजिट पार्टी के ऊपर की जाते हैं जी, तो उसमें थोड़ा जहां तक डिस्क्रिशनरी पावर का है, देखो जुडिशियल पावर अलग चीज है और डिस्क्रिशनरी पावर अलग चीज है। तो जहां जहां पे ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर यूज करने होते हैं वहां वहां पे कहीं पे ऐसा लोगों को लगता है, सभी अपोजिशन पार्टी को लगता है कि इसमें फायदा जो है किसी एक पर्टिकुलर दल को पहुंचाने के लिए या फिर सरकार के खिलाफ पे होने के लिए ऐसा हुआ है, तो ये लोगों का एक माइंडसेट बनता है डिस्क्रिशनरी पावर्स में। लेकिन अगर हम जनरल टर्म्स में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज भी लोगों का भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज है कि वो अपने संविधान को बचाने के लिए पूरा काम करेगी। लेकिन आने वाले समय में अगर बीजेपी फुल मेजोरिटी में आती है और वो अलग कानून बनाती है तो वो कानून का भी पालन करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का काम होगा। आज सुप्रीम कोर्ट चल रहा है भारत की राज्य घटना के ऊपर, कल अगर वो राज्य घटना के ऊपर ही बीजेपी ने हमला करके राज्य घटना चेंज की तो वो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स भी जो है वो भी पावर्स हमको फिर नहीं दिखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून को प्रिजर्व करने का काम करती है। तो बीजेपी ने अगर कल जाके मेजोरिटी में आकर गलत कानून बनाए, संविधान के खिलाफ अगर कुछ किया तो सुप्रीम कोर्ट भी हलबल हो जाएगा। लेकिन आज संविधान अपना पावर में है और संविधान के माध्यम से सभी को अपने अपनी ड्यूटी करने के लिए थोड़ा बहुत स्वतंत्र मिला है और सुप्रीम कोर्ट जो अच्छी तरह से काम कर रहा है ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। जबरदस्त। दूसरी चीज जो यही जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया जो है कॉर्पोरेट मेनस्ट्रीम मीडिया, दे कंसिस्ट ऑफ वेरी रेप्यूटेड बिग जर्नलिस्ट, ऑल ऑफ देम वेरी बिग नेम्स, सब लोग सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि देखिए राहुल गांधी की रैली तो हुई इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस जान करके इंडिया अलायंस बोलते हैं, इंडिया अलायंस नहीं बोलते। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी नहीं आए, अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए, तो ये कौन सी क्या रैली है ये? मतलब इंडिया अलायंस तो खत्म है ना इसका मतलब? काट के साहब बताएं। देखिए ये रैली जो थी ये इंडिया अलायंस की रैली नहीं थी, ये रैली जो थी राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा का समारोह प्रोग्राम था, समापन और न्याय यात्रा के समापन था, एंडिंग था उसका, और उसके लिए सबको इनवाइट किया गया था और उसके लिए सब लोग आए थे। तो ये क्या इंडिया गठबंधन की रैली नहीं थी? ना ही, इंडिया बैनर के नीचे ये हो रहा था, ये कांग्रेस के बैनर पे हो रहा था,
वहां पे पूरा ऑर्गेनाइजिंग टीम कांग्रेस का था, ना इंडिया गठबंधन का कोई टीम ऑर्गेनाइजिंग में नहीं था, और कांग्रेस के लोगों ने ये पूरी रैली ऑर्गेनाइज की थी, पूरा सबको पासेस देना, सबको इनवाइट करना, ये पूरा काम है। मुझे भी, हमको भी जो पासेस दिए, भले वो स्टेज के हो या स्टेज के वीवीआईपी पासेस हो, वीआईपी पासेस हो, वो सभी पासेस जो है वो कांग्रेस के नाम पे ही सबको मिले हैं। तो ये रैली कांग्रेस की थी और राहुल गांधी की न्याय यात्रा का ये आखिरी दौर था, तो उस हिसाब से सभी लोग वहां पे आए थे। तो सबसे पहले बात इंडी गठबंधन की रैली थी, ऐसे जो मोदी जी बोलते हैं सरासर गलत इन्फॉर्मेशन है। ये न्याय यात्रा का आखिरी पड़ाव था और न्याय यात्रा कल उन्होंने वहां पर शिवाजी पार्क में अपने भाषण के द्वारा समाप्त। काके साहब, धारावी में अडानी का सर्वे चालू हो गया। राहुल गांधी जी ने मंच पर भी ये इस चीज को बोला था कि देखो, यू नो, उन्होंने चिंता जताई था कि धारावी में जिस प्रकार से रिडेवलपमेंट हो रहा है, एवरी टॉप लीडर टू ऑपोजिशन में टॉक्स अबाउट इट, आप लोग ने आंदोलन किया, अब सर्वे चालू हो गया, तो वेर आर वी गोइंग, कहां जा रहा है, क्या इंडिया अलायंस में ये प्रोजेक्ट से लेकर को लेकर कोई टोटल एग्रीमेंट है कि नहीं, कि विरोध होना, बिकॉज कांग्रेस इज टोटली अपोज्ड, यू आर अपोजिंग इट, उद्धव ठाकरे जी जिस प्रकार से लोगों का कहना है, ऑपोजिट मीन्स रूलिंग पार्टी का कहना है कि उद्धव ठाकरे जी सॉफ्ट एंड स्टैंड, हाउ फार इज इट ट्रू, बिकॉज दो बिग प्रोजेक्ट, एक तो धारावी रिडेवलपमेंट और पूरा एयरपोर्ट लैंड आज अडानी के पास है, यानी आप समझ लो कि पूरे 70% स्लम एरिया टोटल आपने अडानी को हैंडओवर कर दिया है और काम जोरों से चालू है। आज धारावी में सर्वे चालू होगा खड़के साहब। नहीं, ये बहुत बहुत होशियार लोग है, मतलब ये जो शक्ति के बारे में राहुल जी ने बात की थी, तो वही शक्ति आदरणीय जी के पीछे भी है और ये बहुत होशियार लोग है। इन्होंने सर्वे ऐसी जगह से किया है जो सर्वे, मतलब सर्वे की शुरुआत एक कमला रमन नगर नाम का एक जोहरभट्टी है जो माटुंगा रोड स्टेशन के सामने आती है टूवर्ड दादर, जो धारावी में नहीं आती, वो ना धारावी असेंबली में आती है, ना पिनकोड में धारावी में आती है, ना धारावी के धारावी नोटिफाइड एरिया के अंदर आती है। ये एक अलग से जोहरभट्टी थी जो रेलवे को खाली करनी थी, रेलवे ने उनको नोटिसेस दी, वो नोटिसेस के अगेंस्ट में उनकी पात्र हुई, सब अपात्र हुए और सबको तोड़ने का ऑर्डर जो रेलवे निकाला था। लेकिन अभी एमपी का इलेक्शन है तो एमपी के इलेक्शन के माध्यम से वोटर्स को विस्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि अलग मैसेज जाएगा। तो बहुत टैक्टिकली वो स्लम को धारावी पुनर्विकास प्रकल्प का हिस्सा बनाया गया। धारावी में जबकि 5 सेक्टर है, अभी वहां पे सेक्टर 6 बोल के जो वहां पे जो झोपड़ों का जो सर्वे हो रहा है वहां पे S6 ऐसा नाम डाला जा रहा है, यानी उसको मैं सेक्टर 6 ऐसे समझूंगा। लेकिन धारावी नोटिफाइड एरिया में खाली 5 सेक्टर थे जो धारावी के अंदर आते थे, जो 650 एकर्स की जो लैंड है वो, और रेलवे की जो एडिशनल अभी लैंड नहीं है वो, तो वो जो सर्वे का हिस्सा है वो धारावी में आता ही नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि वहां के लोगों को पहले भयभीत किया गया है कि तुमको वहां से विस्थापित किया जाएगा, तो वहां पे लोकल पॉलिटिशियंस ने बोला होगा कि आप सर्वे में हिस्सा लो, आपको धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के अंदर हम घर दिलाएंगे करके। तो इसके लिए उन लोगों ने वहां पर सर्वे का स्वागत किया और सर्वे के लिए सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये सर्वे धारावी का नहीं, धारावी के बाहर का सर्वे इन्होंने शुरू किया है। अभी धारावी में सर्वे के लिए उनको विरोध होने वाला है और यहाँ के लोगों की यही मांग है, हमारी सबकी यही मांग है कि आप सर्वे करो, सर्वे के मुताबिक जो भी सर्वे में आज आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं वो सभी स्ट्रक्चर को पात्र करके धारावी में कर दो, तो ये धारावी बचाव। आज जो सर्वे किया गया वो धारावी का प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड नहीं है, आप कह रहे हैं कि धारावी के बाहर का सर्वे हो गया, तो क्या ये कुछ इंडिकेशन है कि धारावी का बाहर का जगह भी धारावी इंक्लूड करने वाले? मैं वही बोला, धीरे धीरे अडानी जी के लिए पूरा सभी एरिया जो है धीरे धीरे कैप्चर हो रहा है, जैसे कि धारावी के नाम पे उनको इतना बड़ा टीडीआर दिया गया, धारावी के नाम पे मुलुंड में डंपिंग ग्राउंड का उनको 45 एकर्स का लैंड दिया गया, फिर ऑक्ट्रॉय का 16 एकर का लैंड दिया गया, फिर या एक 3-4 सॉल्ट पैन थे उसका दिया गया। अभी कल मैं कुछ एक पेपर पढ़ रहा था तो उस पेपर में मुझे कुछ चीजें दिखी, वडाला सॉल्ट पैन की जगह जो है वो भी डीआरपी के लिए मांगने वाले हैं। तो ये रेलवे की जमीन है, रेलवे की जमीन पे झोपड़े हैं, तो चलो वो झोपड़ों को शिफ्टिंग करके वो भी जमीन ले ली जाए प्रोजेक्ट में और उसका भी बेनिफिट लिया जाए, तो उसी उद्देश्य से उधर का सर्वे हो रहा है। लेकिन वो सर्वे में सभी लोग अपात्र होने वाले हैं, किसी को घर मिलने वाला नहीं है। हमारी यही मांग है कि भाई जो सर्वे कर रहे हो, आज अगर आपको सर्वे में घर दिखता है, वहां परिवार दिखता है, अगर वो वोटिंग डाल रहा है, उसके पास घर पे लाइट है, बिजली है, कोई भी यूटिलिटी का कनेक्शन है, भले वो गैस है, तो उसको पात्र करो, उसका परिवार वहां पे रहता है, उसको धारावी में कर दो। अगर उतनी चीज अगर पारित होती है तो मुझे नहीं लगता कि धारावी बचाव आंदोलन के लोग उसको विरोध करेंगे या धारावी बचाने के लिए हमको आंदोलन करने पड़ेंगे। लेकिन ये छोटी सी चीज जो है वो सरकार नहीं मान रही है
और सिर्फ अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए वो धारावी के सभी लोगों को धारावी के बाहर भगाने का प्लान में है। इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा सर चुनाव पे? इसका प्रभाव चुनाव पे पड़ने वाला है क्योंकि धारावी के लोगों को अभी तक पूरी जो इसकी प्रक्रिया है इसके बारे में उधर के लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि धारावी की 80% जनता जो है वो रोज कमा के खाती है और उनको ये सब चीजों के बारे में इतना अभी तक सीरियसनेस आया नहीं। लेकिन जैसे ही सर्वे के लोग अंदर घुसेंगे उनको पता चलेगा कि 1 जनवरी 2000 के पहले के लोगों को घर मिलने वाला और बाकी लोगों को धारावी के बाहर फेंका जाएगा, तो धारावी में बहुत बड़ा उद्रेक होगा और बहुत बड़ा वहां पे क्योस हो जाएगा। जबरदस्त प्रदीप जी, he's been continuously fighting with Dharavi is concerned, तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दिया धारावी के बारे में और वी होप दैट यू नो काटके साहब आप ऐसे लगातार लोगों को संघर्ष करते रहे और कुछ ना आई होप एवरीबॉडी गेट्स जस्टिस दैट्स ऑल आप लोग जिस साथ रहेगा तो हमेशा ही संघर्ष जारी रहेगा। और जहां तक आपके संघर्ष का प्रश्न है हम लोग आपके साथ खड़े हैं साहब इसके लिए कि हर एक को इंसाफ मिले। हम ये नहीं कह रहे कि डेवलपमेंट ना हो, डेवलपमेंट जरूर होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। लेट धारावी बिकम लाइक द न्यू बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। हम लोग भी कोई डेवलपमेंट के विरोध में नहीं, हमको भी डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन हम ये सोचते हैं कि डेवलपमेंट में धारावी के हर एक इंसान को न्याय मिलना चाहिए। और वहां पर जो कार्ड के साथ चिंता का विषय यही है कि एयरपोर्ट लैंड अडानी के पास है, यानी अंधेरी से लेके विले पार्ले, सेंटा क्रूज, पूरे कलीना, कुरला, साकिना का ये पूरे बेल्ट, ये पूरे बेल्ट अडानी को ये एक सेंट हो गया और पूरे दूसरे स्लम और पूरे धारावी धारावी पूरे इधर पूरे उनको दे दिए। अब मुलुंड जो कह रहे कि डंपिंग कर वो भी दे दिए और टोल तो अभी कोई स्लम बचा ही नहीं है लगता जो। सो विच मींस काटके साहब मुंबई विल बी ओन्ड बाय मिस्टर अडानी, कहने का मतलब ये होगा मुंबई के मालिक होंगे। मुंबई में 3,20,00,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, लेकिन सिर्फ धारावी अकेले के माध्यम से 10,00,00,000 स्क्वायर फीट का एफएसआई जनरेट होने वाला है, उसमें से 6,00,00,000 स्क्वायर फीट अदानी जी को मिलने वाला है, यानी डबल ऑफ द मुंबई का पूरा जो एफएसआई जो है वो अदानी जी को मिलने वाला है सिर्फ धारावी के नाम पे। और बाकी के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे रिक्लेमेशन का प्रोजेक्ट जो है वो अदानी जी को जा रहा है। तो मुंबई का नाम बदल देते हैं, पूरी गई है तो मुंबई का नाम, मुंबई का नाम बदलते हैं, अडानी नगर रख देते हैं, ऐसी क्या बात है उसमें, क्या कोई नई नई बात क्या है उसमें, मतलब कर ही दीजिए, सबका फायदा होगा उसमें, अडानी जी भी मतलब बड़े खुश हो जाएंगे, सबको दे देंगे 2,000 स्क्वायर फुट का घर दे देंगे हर एक को, ऐसी क्या बात है। बीच में जो सैंटा क्रूज नाम रखो देंगे और किसको देंगे कुछ नहीं, जनता के लूट ही लेंगे। सैंटा क्रूज एयरपोर्ट को अडानी का नाम दे दिया था तो वो शिवसेना ने आंदोलन कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ गए, आपने अडानी का बोर्ड लगा दिया तो जाके वो चेंज हो गया वहां पर, तो जाने अनजाने में अडानी जी सब जगह है। जाने अनजाने नहीं बिल्कुल जाने में, जाने में मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं छोटी सी एक बात पूछता हूँ चलते चलते आपसे संदीप काट के साथ। देखिए साहब अडानी साहब इज अ बिजनेसमैन, ऑलराइट, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज कंसर्न्ड विद प्रॉफिट। द गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर फॉर द पीपल। चलिए मैं कहता हूँ वेलफेयर फॉर द पीपल आप बाजू में रख दीजिए, साइड में रख दीजिए, लेकिन धारावी में जो आज की तारीख में इंडस्ट्री चलती है, धारावी का जो टर्नओवर है, धारावी में जो आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिल्कुल माइक्रो लेवल पे एक एक हर एक बैकयार्ड में गैराज में लेथ है, कुछ काम है, लेदर का काम है, टेक्सटाइल का काम है, पॉटरी का काम है, और बड़े बड़े ब्रांड्स आज की तारीख में दे आर आउटसोर्सिंग थिंग्स फ्रॉम धारावी, व्हाई डोंट दे ओन इट। मेरा ये कहना है उसको बढ़ावा देना चाहिए ना, जो आपने चाइना की बात करी, अरे मेड इन चाइना, मेड इन धारावी विल कम्पीट विद मेड इन चाइना, ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप कहते हैं कि आप 5 trillion इकोनॉमी बनाएंगे अगर इस किस्म के धारावी टाइप प्रोजेक्ट जो हैं, जैसे वहां पे लोग काम करते हैं, उनको अगर आप बढ़ावा दें, उनको अगर आप ज्यादा सब्सिडी दें, उनकी अगर आप मदद करें और ऐसे ऐसे पॉकेट्स आप अलग अलग शहरों में बनाएं, तो 2 साल के अंदर यू विल बी ए 10 trillion इकोनॉमी, फॉरगेट 5 trillion। संदीप पाठ के साथ देखिए, इनको ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इनको काम करना है इनके इंडस्ट्रियल दोस्तों के लिए, आम जनता के पास पैसा आए, आम जनता का विकास हो, उनके बिजनेसेस डेवलप हो, ऐसा इनका बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। आप देखिए जितनी भी पॉलिसी इकोनॉमिकल पॉलिसियां बनी है, उस सभी इकोनॉमिकल पॉलिसियों में जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस है उनका ही फायदा हुआ है। अगर आप बात करोगे कि लोन वेवर की, तो फार्मर्स के लोन वेवर के लिए सरकार को दिक्कत है, फार्मर्स को एमएसपी देने के लिए सरकार को दिक्कत है, जी है। लेकिन
कॉर्पोरेट की लोन वेवर की अगर स्कीम आती है तो सरकार 10-10 लाख 12-12 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो वेव ऑफ कर देती है, लेकिन फार्मर्स को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। जो छोटे छोटे मजदूर हैं, जो अपना अपना छोटा छोटा काम करके अपने अपनी इंडस्ट्री बना के चल रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियां तोड़ देने का, क्योंकि अगर उनकी जो छोटी छोटी इंडस्ट्री टूटी तो इसका फायदा जो है बड़े इंडस्ट्री को होगा। यानी अगर चाइना से माल इंपोर्ट करना है वो तो क्या धारावी का आदमी तो इंपोर्ट नहीं करेगा, वो इनका ही कोई दोस्त या कोई बड़ी कंपनी होगी जो बीजेपी के संलग्न होगी, वैसे लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इनको पूरा वेल्थ जो है वो अपने नजदीक के लोगों के आपस में बांट के देना है, आम जनता के हाथ में इनको पैसा देना नहीं है। भले आप जीएसटी की बात करो, जीएसटी के नाम पे थोड़ी आम जनता का फायदा होता है, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है उनका फायदा होता है, वहां पे टैक्स चोरी होती है। यहाँ पे तो आम आदमी जो है पाव भी खरीदता है 2 रुपए का, तो उसके ऊपर भी तो उसको जीएसटी देनी ही पड़ती है। जी दुरुस्त बात। तो ये सब नीतियां जो है वो सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए है, और इससे फायदा सिर्फ बड़े बड़े हाउसेस को पहुंचाना चाहिए। इसलिए धारावी जैसी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं मिलता, धारावी के जैसे कुछ लोग है जो अपना अपना माल बनाते हैं उनको प्रॉपर मार्केट नहीं मिलता, और इस प्रकार की पुनर्विकास प्रकल्प के माध्यम से आप डेवलपमेंट करते हो और उनको उनके ही रोजगार से वंचित करते हो। तो ये सीधे सीधे सरकार की नीति है कि गरीबों के और आम आदमी के लोगों हाथ में पैसा नहीं आना चाहिए। चलिए इसके ऊपर और बात करेंगे सर संदीप पटके साहब, कि आखिरकार धारावी को एक इंडस्ट्रियल जोन का, एमएसएमई इंडस्ट्रियल जोन का एक स्टेटस क्यों नहीं दे देते, मतलब very frankly speaking, I think that should have been the first thought. हमने DRP में हमने जो भी मांगे रखी है तो उसमें मैंने खुद में धारावी में बताया है कि धारावी का 5 सेक्टर है तो 5 सेक्टर में 5 इकोनॉमिकल क्लस्टर बनाओ, वहाँ पे धारावी की लेदर इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, परफेक्ट, वहाँ की पॉटरी इंडस्ट्री, सबके लिए अलग अलग इकोनॉमिक जोन बनाओ। वहाँ पे जैसे आपने अदानी को जीएसटी में माफी दी है, तो अभी सरकार ने एक जीआर निकाला है जिसमें धारावी में जो भी बिजनेस होगा आने वाले समय में उसको मेरे ख्याल से 3 साल के लिए जीएसटी से माफी या ऐसा कुछ तो उन्होंने एक प्रोविजन किया है। तो ये पहला क्लस्टर वहां पे बनना चाहिए, कमर्शियल क्लस्टर, और कमर्शियल क्लस्टर में धारावी के लोगों की जो फैक्ट्रीज है उनको स्थान मिलना चाहिए। ये तो ये क्या सेम कंपोनेंट के माध्यम से क्लस्टर बनाते हैं और बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी को बेच देते हैं, तो रोजगार जो है धारावी के लोगों को मिलने वाला नहीं है। और धारावी की जो फैक्ट्री अभी चल रही है वो धारावी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए, फिर वो गोवंडी जाएगी, वो भिवंडी जाएगी और वहां पे अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे धारावी में चल रहा वैसा तैयार करेगी और वहां पे अपना काम करेगी। तो धारावी की माध्यम से जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है ये पूरा खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार मुंबई में, बॉम्बे में जो उस वक्त हुआ करता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो गई, फिर वो पावरलूम में शिफ्ट हो गई, फिर वो सारी की सारी गुजरात शिफ्ट हो गई, तकरीबन यही हाल धारावी का होने वाला है। कहने का मतलब ये हुआ इसके होने वाला है, अगर इन्होंने एक धारावी को कमर्शियल बेनिफिट नहीं किया तो धारावी की जितने भी फैक्ट्रीज जो है जो अभी फिलहाल चल रही है तो उनको तो नए सेटअप में रेंट पड़ने वाला, रेंट उनको अफोर्ड नहीं होगा तो वो चले जाएंगे जहाँ पे धारावी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्लम है, वहां पे वो लोग अपने अपने फैक्ट्री बिठा के अपना धंधा करेंगे। और जिनको कोई और जगह नहीं मिलेगी वो क्या करेंगे, वी कैन ओनली इमेजिन, तो बंद करेंगे। जी नहीं, मतलब वो सड़क पे आ जाएंगे सर, सड़क पे आ जाएंगे। जिस प्रकार ये कहा जाता है कि जो अंडरवर्ल्ड का राइज हुआ मुंबई में वो किस लिए हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि सारी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई, दैट्स हाउ द अंडरवर्ल्ड रोज ओवर हियर इन बॉम्बे। वैसा ही कुछ अगर हो गया यहाँ पे तो फिर उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, संदीप पाटके साहब? नहीं तो चाहते वही है ना यहाँ पे जी, बीजेपी का जो पूरा मॉडल है वो एक्सप्लोरेशन का मॉडल है, लोगों को धर्म के नाम पे बहका के रखो और लोगों की जेब काटो, यही मॉडल यहाँ पे चल रहा है, तो उसके लिए पूरी जिम्मेदार सरकारी होने वाली और कौन है। और वो काटके साहब अभी तक ये डिबेट चल रहा है कि एज इज वेर, जब आप अडानी जी को इतना टीडीआर और इतना एफएसआई दे रहे हो तो वो गरीब बेचारे वो कट ऑफ डेट आप इतना पुराना क्यों रख रहे हो, एज इज वेर इज बेसिस पे लेटेस्ट सर्वे करके क्यों नहीं खत्म कर रहे इस चीज को, बिकॉज व्हाई यू वांट टू हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर मैन। आंदोलन का आप लोग का पूरा आंदोलन चल रहा है वो इसी के ऊपर चल रहा है कि पत्र अपत्र में आप लोगों को उलझाओ मत, क्योंकि पत्र अपत्र में बहुत भ्रष्टाचार होगा, यहाँ पे बीजेपी के दलाल हो, अदानी के दलाल हो या सरकार के दलाल हो और सरकारी अधिकारी हो के वो लोगों के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे 2 लाख 2 5 लाख 2 हम उनको पात्र करेंगे, उनके डुप्लीकेट पेपर बनाएंगे और उनको पात्र करके देंगे। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और बहुत बड़ा रैकेट चलने वाला है धारावी में, हम लोग पूरा उसका विरोध करते हैं। इसके अगेंस्ट में हमने ये कहा है कि भाई आप लेटेस्ट सर्वे करता हो, जिसका अभी मौजूदा वहां पे फैमिली है वो वहां से वोटिंग करता है,
या वो वहां से उसके पास उसका लाइट बिल है, गैस बिल है, तो उसको तो आपको उसका वोट चलता है, लेकिन उसको घर देने के लिए आपके पास उसको पूरा भी चाहिए, लेकिन वोट देने के टाइम पे आप उसको नहीं पूछते कि भाई आप 2000 के पहले के नहीं हो तो आप वोट नहीं दे सकते। राइट, थैंक यू सो मच सर। संदीप पाटके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भवानी, जय भवानी। थैंक यू, धन्यवाद। दैट्स अ वेरी वेरी ब्रेव मैन, दैट इज अ वेरी ब्रेव मैन। वेल, सो आर द रेस्ट ऑफ द अदर गाइस एज़ वेल, दे आर ऑल वेरी वेरी ब्रेव। सो दैट्स जस्ट अबाउट इट फॉर टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही, प्रदीप जी और मेरी तरफ से, एंड आई अपोलोजाइज अगेन फॉर बीइंग लेट। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।